प्रभु, राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशनम सोहम सुरती समाप्तम। सकल समान अनिर्तल उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथौ है वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश बनाऊ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊ आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई अविगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा दावे सैंस 88। उतरे बोझल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा दावे सैंस 88। उतरे बोझल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं दरों चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूं गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं मैं। तो करो तो हो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के कर्ता कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं
इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में उपस्थित हुए। गुरुपद सेवा बिरला कोई, जापर कृपा साहिब की होई। गुरु जी के पद्धति को, गुरु जी के बताए मार्ग को वही सफल कर सकता है जिस पर परमात्मा की विशेष रजा होती है। यदि आप जी को ये ज्ञान ना होता तो आप इस समय को कहीं ना कहीं बर्बाद करते, कहीं किसी की निंदा चुगली करके या किसी कहीं पर ताश खेल के या जुआ खेलते या कहीं राजनीतिक बातें करते जो कति काम की नहीं थी, और वो समय आपका कैसा सदुपयोग हुआ, इस बात को याद रखना। ये सब कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथ हिलंदा। उस परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा बिना, उसकी रजा के बिना किसी वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता। भक्ति और मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति करा के ही मोक्ष होता है। जब हमें सत भक्ति प्राप्त होगी तभी हम मुक्ति पाएंगे, और वो सतगुरु ही दे सकता है। सतगुरु परमात्मा ही होता है, या फिर उस परमात्मा का कृपा पात्र हो सकता है जिसने जो ज्ञान उसी परमेश्वर से जो सतगुरु रूप में आए हुए होते हैं वो फिर आगे उसी के ज्ञान को प्रचार करता है। तो इस विषय में आज ये दास वो सतगुरु है जो परमात्मा का दास, उसका भेजा हुआ कुत्ता, आपको जगा रहा हूं भौंक भौंक कर। आप धनी हो, आप धनी हो, पिछले जन्म जन्मांतर के धनों के बहुत है आपके पास, पुण्य धन, परमात्मा का भक्ति धन आपके पास बहुत ज्यादा है, और आप गफलत में सो रहे हो, चोरी चोर चोरी कर रहे हैं। वो कौन सी चोरी कर रहे हैं? आपको कहीं शराब पिलाकर ये मन और ये काल, उस काल का एजेंट है, ये आपको ना जाने कहाँ सांग सिनेमा में ले जा करके वहाँ आपका समय व्यर्थ कराता है, और कहीं इधर झूठी भक्ति करवा के आपकी भक्ति धन का नाश करवाता है। किसी को आशीर्वाद देते हो, किसी को बद्दुआ देते हो, तो ये आपके भक्ति धन की चोरी हो रही थी। अब ये दास आपको भौंक रहा है गली गली में, पहले गांव गांव में गली गली में गए, प्रचार ज़्यादा बढ़ गया तो फिर परमात्मा की वही आवाज़ इस दास के उसके कुत्ते की सीडी डीवीडी मेमोरी कार्ड बना के आप तक पहुंचाया। आप जाग गए, जो जग गए उनका चोर भाग गए, और जो अभी सोए पड़े हैं उनका चोर चोरी कर रहे हैं उनको भी हमारा उद्देश्य है जगाएंगे, बार बार आवाज़ लगाएंगे, कभी तो वो कुंभकर्ण की नींद को त्यागेंगे, भक्ति में लगेंगे। वो भी आपके भाई बहन हैं जो अभी बिछड़े हुए हैं, उनको भी जगाना है। तो आज जो सतगुरु भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु और भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथ हिलंदा, वही परमात्मा स्वयं ही अपने उस सुख स्थान को त्याग कर इस सबसे घटिया स्थान काल के लोक में आता है। सह शरीर आते हैं वो दाता, प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक बालक रूप में कमल के फूल पर प्रकट होते हैं, कुंवारी गायों से उनके दो बचपन की परवरिश होती है, और फिर बड़े होकर के वो परमात्मा एक आम नागरिक की भी, अच्छे नागरिक की भूमिका करते हैं और सतगुरु की भूमिका भी करते हैं, और फिर उसके अतिरिक्त दूसरी स्थिति में वो कभी भी प्रकट हो जाते हैं किसी स्थान पर कोई साधु संत रूप बना के,
कलयुग के अंदर विशेषकर वो जिंदा महात्मा के रूप में ही प्रकट हुए हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। ये वेदों से भी आपको प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा सतलोक में रहता है और वहाँ एक सिंहासन पर विराजमान है, तख्त पर, असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के तख्त यानी सिंहासन पर, राजगद्दी पर मालिक बैठे हैं। वो महाराज हैं, वो भगवान हैं। और यहाँ छोटे मोटे टुकड़ों के जो राजा बने बैठे हैं, ये लोक भी नकली, ये राजा भी नकली, इनका अपना अस्तित्व नहीं। कब मर जाए, कब इनका विनाश हो जाए, कहाँ क्या बीमारी हो जाए। तो एक ही भगवान, वही शक्ति, वही मालिक है, वही सतगुरु है और वही वास्तव में महाराजा है। तो महाराजा की तरह वो परमात्मा सतलोक में विराजमान है। तो वो परमात्मा यहाँ जब आते हैं, एक अच्छे नागरिक का रोल भी करते हैं, सतगुरु का रोल भी करते हैं, भूमिका करते हैं वो। और दूसरी स्थिति में वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वहाँ से सहशरीर आते हैं जिंदा महात्मा के रूप में, सबको अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। फिर वो पुण्यात्माएं भी परमात्मा की महिमा आँखों देख कर आपको सुनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमारे अंदर एक कमी रही, जो हम परमात्मा को नहीं पहचान सके, ना उन महापुरुषों की उन वाणी को हम समझ सके जिन्होंने अपने अमृत वाणी में एफिडेविट देकर गए, वो भगवान के विटनेस बने, गवाह बने। हम नहीं समझ सके क्योंकि हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज जो थे वो श्रद्धालु गने थे, विश्वासी बहुत थे। क्योंकि जो आत्मा अच्छी होती हैं वो विश्वास प्रत्येक पर कर लेती हैं। और परमात्मा ने आपको शिक्षा इसलिए नहीं दी पहले समय में, यह शिक्षा हमारी सबसे दुश्मन है। यदि हम शिक्षा प्राप्त करके परमात्मा की खोज नहीं करते हैं तो यह शिक्षा व्यर्थ है। इस शिक्षा ने हमें अहंकारी बना दिया और मर्यादाहीन बना दिया, माया माया का अधीन बना दिया, माया ही जोड़ना एक उद्देश्य मान लिया। कोई भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से चलता है, उसका उद्देश्य यही होता है, बड़ा अफसर बनूं, घनी कमाई करूं, दो नंबर की घनी करूं। वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसमें तनख्वाह से अतिरिक्त और मिलती है रिश्वत घनी? आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, मंत्री बनूं, एमएलए बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, घने माया जोड़ूं। तो क्या मनुष्य जीवन का यही काम था? ये कार्य तो एक गोबर का भूंड करता है, गोबर का भूंड। अगर हमने यही काम के लिए मनुष्य जीवन पाया है तो गोबर का भूंड कैसा होता है? खेतों में पशु गोबर करते हैं और उसको भूंड होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, और वो क्या करते हैं, उस गोबर को निकालते हैं, उसमें से उसके गोली बनाते हैं, गोले छोटे छोटे, और उसको धका के उसको रोल करके अपने बिल में भर लेते हैं। उस बिल को गहरा बनाते रहते हैं मिट्टी से खोद खोद के, और उसको गोबर को ठोक लेते हैं, ग्रोले बना बना के वो गोबर खाते हैं। तो वो व्यक्ति, वो प्राणी वही होते हैं जो मनुष्य जीवन में माया जोड़ 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 कर बैंक भर ले, कोठी बना दे, बंगले बना ले। फिर वो क्या करते हैं, वो हमने देखा कई बार, हम क्योंकि दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, खेतों में जाना पड़ता था, पाली भी गए कई बार पशुओं को साथ के साथ। तो वो दोनों पति पत्नी भूंड गोबर को इकट्ठा करते हैं, अच्छा मोटा गोला बनाकर उसका, और फिर उसको दोनों धका कर ले जाते हैं, एक आगे से एक पीछे से, और मंडिया रहे इतने पूरा ना खत्म कर लें, कहीं और ना ले जा और कम पड़ जा। और कभी कभी भैंस या गाय के पैर के नीचे आके वो दोनों ही मर जाते थे, वो गोबर धरा धरा रह जाता, इकट्ठा करा कराया बिल में।
तो यदि हम मनुष्य जीवन पाकर भी इससे काम लगे हैं, ये मंत्रियों के आप सुनते हो कि क्या इनके कैसी लीलाएं आप सुन रहे हो, किसी पर इतने घोटाले का आरोप है, किसी ने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, और ऐसे ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई हेलीकॉप्टर के उससे दुर्घटना से मर गए, कोई बीमारी से, कोई किसी और हादसे में मारे गए, वो गोबर जो इकट्ठा कराया था सारे जीवन में, वो धन वो यहीं रह गया, कोई ना जाने कौन बरतेगा। और वो भाई की तक गदा बनकर जिस जिस से वो पैसे ले रखे थे सबके पूरे करेगा, रोएगा असंग जन्मों तक। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो इसलिए परमात्मा यहां आकर के हमें जगाते हैं, समझाते हैं कि रे बोली आत्मा, यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो और बाकी तुम ये इसी काम लगे हुए हो, तो ये मनुष्य जीवन वाला काम नहीं कर रहे, गोबर के भूंड का काम कर रहे हो। अब बात चली थी शिक्षा के ऊपर कि पहले आप देख रहे हो, दास भी देख रहा, घना लंबा समय नहीं हुआ है, सन 1951 में दास का जन्म हुआ, सन 60 के बाद ऐसा समझण जोगा हुआ, जो बातें आज याद आ रही हैं उसमें क्या प्रक्रिया और कैसे लोग थे, अब इस ज्ञान की रोशनी से उनकी पहचान हो रही है कि पहले शिक्षा कति नहीं थी, पिता पढ़ानी, चाचा पढ़ानी, ताऊ पढ़ानी, कोई कुनबा और पढ़ानी, पहले का हमारे से पढ़ाई शुरू हुई थी, उसमें बहनों की बेटियों की पढ़ाई नहीं कराते थे, तो उसमें कितनी शांति थी, कितना एक आचरण अच्छा था और कितना प्यार था और कैसा एक दूसरे की शर्म लिहाज होती थी। बड़ा व्यक्ति चाहे किसी भी दूसरे गांव के दूसरे कोने का भी क्यों ना होता, अगर बच्चे थोड़ी बहुत शरार कर रहे होते तो उसको देखते ही बंद हो जाते, भाई ताऊ आ गया, अरीब, अब ताऊ चाहे कितना घूमो, गुटी लाकर गलियां बैठे रहे, और कितना व्यवहार बिगड़ गया, माया माया चाहिए, ना भाई बहन का प्यार, ना कितने रिश्तेदारी में लगाव रहा, विवाह पीछे होता है और मुकदमा कोर्ट में पहले जा लेता है, हद होगी भाई, इसी जीवन में अपने लफड़े में जीवन बर्बाद कर जाओगे। इसलिए परमात्मा आपको याद दिला रहे हैं कि मानुष जन्म पाय कर जनहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो ये ज्ञान कौन देता है, सतगुरु देते हैं, और वो सतगुरु कैसी लीला करते हैं, कबीर भगवान जब स्वयं आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सतलोक ले जाते हैं, फिर वापस छोड़ते हैं, फिर अपने से परिचित करा के और सबको ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन उन महापुरुषों के उन गुड रहस्यों को, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि तुम कितना ही कुछ कर लो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि इनको ज्ञान ही नहीं है, ये इनके जो मूर्ख गुरु हैं अज्ञानी, जो शिक्षा जरूर प्राप्त हैं, संस्कृत भाषा अवश्य जानते हैं। अब देखो पुण्यात्माओं, इस भक्त शिक्षा ने कैसा नाश किया है, ये हमारे धर्मगुरु जितने भी थे, ब्राह्मण लोग थे, इनको ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, और शिक्षा किस लिए ग्रहण करने का अधिकार दिया था कि तुम सदग्रंथों को पढ़ो, उनको समझो, वो संस्कृत भाषा में, और फिर हमें बताओ, हम धर्म कर्म ठीक करें, अपना कल्याण करवा लें। और गीता में भी ऐसा लिखा है कि जो विद्वान लोग हैं, वो विद्वान लोग सदग्रंथों को पढ़कर अविद्वानों को सुनाए, अविद्वान माने क्योंकि ये विद्वान मानते हैं जिसने शिक्षा है, अक्षर ज्ञान है, और अविद्वान कहते हैं जिसने अक्षर ज्ञान नहीं है, उनको सुनाओ, और यदि अविद्वान यानी अनपढ़ अक्षर रहित वो अगर विद्वानों की बातों को सुनकर उनके अनुसार आचरण कर लेते हैं तो उनका मोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल सही है, पढ़ना जरूरी नहीं था, तो इसलिए परमात्मा ने शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि उस वो समय नहीं था पारकरण का, तुम्हें अब समय अब आया है,
तो उस समय वो जो शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मण लोग, ये केवल माया जोड़ना उद्देश्य रखते थे। और काशी विद्यापीठ बनारस में जो बच्चा पढ़कर आता था ब्राह्मण का, उसकी बड़ी महिमा होती थी और उसी से सभी अपने धार्मिक अनुष्ठान कराया करते थे, अच्छी दक्षिणा देते थे कि बड़ा अच्छा सदग्रंथों का ज्ञाता। तो उन धर्म गुरुओं का एक उद्देश्य बन गया कि माया घनी कैसे बने, इन्होंने माया इकट्ठा करना ही उद्देश्य मान लिया। एक कड़ौली गांव है खरखोदा तहसील के अंदर सोनीपत जिले में, कड़ौली गांव का एक जाट था, निश्चल दास नाम था उसका, किसान का लड़का था। उसने जब वो समझन जोगा हुआ 10-12 वर्ष का, तो उसने उसके मन में प्रेरणा हुई कि भी हमारे जितने भी सदग्रंथ वेद गीता पुराण जो भी हैं, ये सारे संस्कृत भाषा में हैं और मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं, और ये और जो धर्म गुरु हैं ये तो स्वार्थवश इनको पैसे लेते हैं और अटपट में लगा रखा है। मैं सदग्रंथों को पढ़ूंगा, वास्तविक ज्ञान करा करके फिर सच्चा ज्ञान लोगों को बांटूंगा फ्री में। तो इस उद्देश्य से उसने बनारस काशी विद्यापीठ में प्रवेश पाना चाहा शिक्षार्थ। तो उसके सामने एक समस्या आ गई कि वहां केवल ब्राह्मण के लोग बच्चों को ही, ब्राह्मणों के बच्चों को ही प्रवेश मिलता था। उसके लिए गांव से नंबरदार सरप होते थे, सरपंच नहीं होते थे, उनसे लिखवा कर ले जाना पड़ता था कि इस गांव का ब्राह्मण का पुत्र है, उसको प्रवेश मिलता था। तो उसने एक नंबरदार ऐसे ही अशिक्षित होते थे, उसने आप पे लिख लिया कि ये निश्चलदार पुत्र फलाना गांव कड़ौली और ब्राह्मण का बेटा है, उसके दस्त करा लिए, वो प्रवेश पा लिया। प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक वर्ष सबसे टॉप में आवे, संस्कृत भाषा सीख ली, बहुत अच्छा। जब शिक्षा पूर्ण करके वो चलने लगा तो जो प्रिंसिपल था वहां का, बनारस का जो ब्राह्मण प्रिंसिपल था यानी मुख्य अध्यापक था, शिक्षक था, उसकी एक कन्या विवाह के योग्य थी, युवती थी। उसने क्या सोचा कि इतना इंटेलिजेंट बालक है, इसने संस्कृत बहुत अच्छा सीखा है, ग्रंथों को भी खूब अच्छा पढ़ा है, और ये जहाँ भी जाएगा इसकी वाह वाह हो जाएगी और तेरी बेटी सुखी रहेगी, यू घना धन इकट्ठा करेगा। इसलिए उसने मन बना लिया कि इस बच्चे से अपनी बेटी को ब्याह दूँ, विवाह कर दूँ। जब वो निश्चल दास गया उसके पास, प्राचार्य के पास, प्रिंसिपल के पास, कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आपका बच्चा अपनी शिक्षा पूर्ण करके अब सेवार्थ जा रहा है, मुझे आशीर्वाद दो, मैं सफल हूँ जिस उद्देश्य को लेकर आया हूँ। तो उसने कहा कि बेटा फिर गुरु को कुछ दक्षिणा भी देते हैं, दक्षिणा दे। दक्षिणा लो जी मेरे पास क्या है, मत लगा कि वचनबद्ध हो जा। अच्छा जी, वचनबद्ध हो गया, मैं अपनी लड़की का विवाह तेरे से करना चाहता हूँ, तुझे करना पड़ेगा। अब यहाँ फंस गया निश्चल दास धर्म संकट में, क्योंकि ब्राह्मण लोग अन्य जाति से विवाह नहीं करते थे अपनी बच्चियों, बेटा बेटियों का, अगर ऐसा उनको पता चल जाए तो वह हंगामा खड़ा कर देते। तो उसने सोचा ये घर अगर ऐसा हो गया तो गांव में ही विरोध होगा, फिर ये पूरा ग्रुप मेरा विरोध करेगा और बात बिगड़ जाएगी, और मैं ग्रस्त आश्रम अपनाना नहीं चाहता। फिर उसने बताया, गुरुदेव चाहे मुझे सजा देना और चाहे कुछ भी कहना, मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं जाट का लड़का हूँ, कड़ौली मेरा गांव है, आप पता कर सकते हो। मैं इस उद्देश्य से आया था कि मैं इस ज्ञान को फ्री बांटूंगा, ये ब्राह्मण लोग इसका मूल्य ले रहे हैं, मैं वो मूल्य नहीं लेना चाहता। तो उस इतना गुस्सा कर गया वो ब्राह्मण प्रिंसिपल,
कहने लगा तो दुष्ट तने धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे बन गई, यहां धोखा दे के हमारा ज्ञान चुरा लिया। अब वेद और गीता को तो ये रजिस्ट्री करा रहे थे, अपने नाम बै करा रखी थी ने नकलियों ने। उस लड़के को कहा कि प्रतिज्ञा कर रखी है तूने, हाँ जी, कि तू कभी संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और किसी संस्कृत भाषा में कोई प्रवचन नहीं करेगा और जा सकता है। और तुझे श्राप दे दिया उसने कि तुझे प्रतिदिन एक बार एक घंटा बुखार बना करेगा ताकि तेरी गलती तुझे सदा याद रहे। तो पुण्य आत्माओं देख, उस दुष्ट आत्मा ने अब ये ज्ञान की कमी, हम किसी को श्राप देते हैं क्योंकि पूर्व धन पूर्व भक्ति का धन होता है, उसका श्राप भी फल जाता है। अब तो सारे नकली हो लिया, किसी श्राप फल है ना किसी आशीर्वाद फल है, खाली है सब। पहले अच्छे लोग होते थे, चाहे किसी जाति के थे, वो पिछले पुण्य कर्मों से परिपूर्ण होते थे, वो किसी को श्राप दे देते उसको बुरा हो जाता, उसकी पूंजी खत्म होती, आशीर्वाद देते तो भी उनकी पूंजी चोरी होती, नष्ट होती कमाई। इस करके ये यही काल के जाल में उलट पुलट होकर यहीं फंस गए। अब इससे निकलने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता थी। अब उस वहां से जो वो निश्चल दास जी आगे, अब उसके सामने समस्या होगी कि ज्ञान तो मैं प्रचार करूंगा लेकिन संस्कृत प्रयोग में नहीं करूंगा। उसने क्या किया कि फिर दादू पंथ, एक दादू साहब हुए हैं जिनको परमात्मा कबीर जी मिले थे। अब परमात्मा ने क्या किया है, वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको अपना कुछ झलक देते हैं जिसको ये दिखता है कि ये तेरे अनुकूल चलेगा। तो दादू जी को परमात्मा मिले, आंखों देखकर आए और फिर दादू साहब ने कबीर भगवान की बहुत महिमा गाई, लेकिन दादू जी को परमात्मा ने पूर्ण ज्ञान नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि उस पंथ के लोग भी आज फिर वही गीत गा रहे होते जो आज हमने बताना था, लेकिन ये जरूर पक्का करवा दिया कि जो काशी में जो धानक थे वो परमात्मा है, जो बनारस में आए हुए थे वो मेरे सतगुरु वही है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। उन्होंने एफिडेविट दे दिए, विटनेस बन गए कबीर भगवान के, लेकिन आगे चल के उस पंथ में कबीर साहब का नामो निशान नहीं है। दादू पंथ में दादू जी को पूर्ण परमात्मा, दादू जी का कोई जन्म नहीं हुआ, अपने आप प्रकट हुए इस तरह, वहां वहां मिले थे, फलान हो गया था, उसकी माँ को आशीर्वाद दे दिया था एक संत ने, तो इस तरह करके वो दादू जी को ही खुदा बनाए बैठे हैं, वो कुछ भी बनाए रहो। फिर निश्चल दास जी ने वहां दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के फिर संत वाणी में एक निश्चल ग्रंथ बनाया, लेकिन निश्चल दास के पास भी वो ज्ञान नहीं था, वेदों के ही अटपट कर रखी है उसने, जैसा वेद गीता उसने समझा संस्कृत में उन्हीं को फिर संत वाणी में लिख रखा है, उसमें कुछ भी नहीं। मैंने उसको खूब पढ़ा और देखा, तो कहने का भाव ये है कि पहले ये जो शिक्षा थी ये एक वर्ग के बांध रखी थी और अन्य अशिक्षित थे। परमात्मा ने इसलिए इस बुराई को अन्य समाज में नहीं जाने दे दिया कि ये कत्ती घर के रहेंगे ना गाट के। आज ब्राह्मणों को देख लो, जो भी पंडिताई करता उसका सर्वनाश हो रहा है, जो भी ब्राह्मण पना करता लास्ट में प्राण मिट्टी होगी इसकी पक, ये हमने खूब देखा हुआ। ब्राह्मण मतलब ये नहीं कोई जाति कास्ट ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि हमने ज्ञान से उठना ऊपर, इन संसारिक जो बंधन हैं सीमाएं हैं ये ज्ञान से अपने आप टूट जाएंगी। मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी राम देवानंद जी, ये इसी हरियाणा के रहने वाले, दादरी के पास एक पैंतावास गांव है, तो परमात्मा ने मेरे पूज्य गुरुदेव जी जो ब्राह्मण थे जाति से ब्राह्मण थे, कर्म ब्राह्मण नहीं था, यानी ब्राह्मण ग्रुप में ब्राह्मण समुदाय में जन्म हुआ था उनका, और वो
अपना खेती थी, किसानी करते थे उनके माता पिता, और उनके भी जमीन है, जमीन थी सब 5-4 किले एकड़ जमीन उनके हिस्से में, उसके पिताजी के पास तो काफ़ी जमीन थी, तो खुद पाली जाते थे, तो वो ब्राह्मण थे जाति के। जब उनको ज्ञान हुआ, हमारे पूज्य दादा गुरु जी उनके उनको मिले, और मेरे दादा गुरु जी यानी मेरे गुरु जी के जो गुरु जी थे वो छावला गांव है दिल्ली में नजफगढ़ के पास, उस छावला गांव के वो जाट थे, और उन्होंने फिर काशी विद्यापीठ में, उसके बाद फिर ये हल्की हो गई थी, मतलब जैसे हमारे गुरु जी जो थे, हमारे दादा गुरु जी जाट थे, और हमारे दादा गुरु जी के जो गुरु जी थे वो भी ब्राह्मण थे, और वो काशी विद्यापीठ वो पढ़ नहीं सके, उसने उन बच्चे को अपना गोद लेकर यानी अपना शिष्य बनाकर सर्टिफिकेट बना के भेजा कि काशी विद्यापीठ में पढ़का। तो हमारे दादा गुरु जी थे वो काशी विद्यापीठ में 4 विषय के आचार्य बन गए, और उसके बाद फिर मेरे दादा गुरु जी को पंडित चिदानंद नाम था उनका, चिदानंद जी महाराज, उनको पंडित चिदानंद जी कहा जाने लगा, क्योंकि वो 4 विषय में के आचार्य बन गए, 4 विषय के, 4 सब्जेक्ट के। और उनका एक गांव है, उनका गांव गोपालपुर, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत, गांव गोपालपुर में एक आश्रम है छोटा सा, उस पे लिखा हुआ है पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर, दास उसको देख कर आया है। तो कहने का भाव यह है कि हमारे दादा गुरु जी जाट होते हुए पंडित कहलाए, और मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए, वो ब्राह्मण नहीं एक संत कहलाए, स्वामी संत। तो ये जाति कर्म से है, अपनी जन्म जात से नहीं होती। जैसे आज कोई भी लड़का, जैसे हमने देखा एक जाट, और जहाँ दास सर्विस करता था नहर विभाग में, वहाँ चिनाई का काम करता था, राजमिस्त्री कहलाता था, राजमिस्त्री, और गांव में भी उसने राजमिस्त्री कहते थे जाट होते हुए भी। तो इसी प्रकार एक ब्राह्मण का लड़का दिल्ली में नाई की दुकान खोल रहा है, बार्बर, तो उसको राजेश बार्बर कहते हैं, जबकि वो पंडित है वर्ण से, लेकिन कर्म से वो बार्बर नाई कहलाता है। तो इसी प्रकार हमारी ये जातियां बनती चलेगी, ग्रुप बन गए फिर, क्योंकि पहले व्यवसाय परंपरागत होते थे, और उसी परंपरा में विवाह होना इसलिए कंपलसरी था, क्योंकि जैसे एक जाट की लड़की और कुमार का व्याधी, तो जाट का व्यवसाय कुछ और है और कुमार का कुछ और, जाते सारे बर्तन फोड़ेगी, और कुमार की लड़की कुमार के ब्याही जा, तो उसको पहले ट्रेनिंग होती है उस काम की, वो ठीक जाते ही रलमिल हो जाती थी। इसलिए हमारा विवाह अपने वर्ण में ही अपने होना कंपलसरी था, अनिवार्य था उस समय। इसी तरह किसान की लड़की किसान के ब्याही जाती थी, तो वो काम से पहले ट्रेंड होती थी, झगड़े ना बढ़ते, काम खराब नहीं होते थे। तो अब समय बदल गया है, व्यवसाय भी काफ़ी बदल गया है, तो इसमें अगर इंटरकास्ट शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं, और हमारा एक ही उद्देश्य है यहाँ से मोक्ष कराना और सतलोक जाना, वहाँ कोई झगड़ा ही कोई नहीं। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को काटना है, हर तरह से इसको कंडम करना है, सच्चाई को ऊपर लाना है। तो इसलिए ये विद्या जो थी ये सीमित होकर रह गई, और परमात्मा ने ये इसलिए आपको नहीं दी, आने दिया आप तक, क्योंकि वो पीक टाइम नहीं आया था, प्राइम टाइम नहीं आया था, जिस समय आपको पार करना था। वो कब करना था? परमेश्वर ने काल से कहा था, जब काल की और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हुई थी प्रथम सतयुग में, जब सारी बात हो गई कि आप किस लिए आए हो सतलोक से, अपने परमात्मा ने अपना रूप बदल रखा था, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना रखा था, और ये जो काल है ये भी उस परमात्मा का 17वां पुत्र है, ये उसका 17वां पुत्र है, और इसने वहां गलती कर दी थी जिस कारण से इसको निष्कासित कर दिया। हमने भी गलती की थी, जितने भी प्राणी, चींटी, हाथी, मकोड़े, कीड़े, पशु पक्षी, ब्रह्मा विष्णु महेश और हम राजे महाराजे, ये सभी वहीं रहते थे सतलोक में,
एक जैसा वहां पर हमारा शरीर था, एक जैसा खान पान था, एक जैसा सुख था, तो हम अपनी गलती से इस कंगाल के साथ आ गए। या कुछ भी चीज पूरी नहीं, हर समय हर एक चीज का अभाव रहता है, मार बार एक रोटी का काम पूरा ना होता सारे जीवन में जीव का। पशुओं ने देख लिया उसके पीछे भाग रहा है उसको खाने के लिए हिंसक पशु, पशु जैसे पशु हैं दूसरे शाकाहारी, वो सारा दिन घास चर चर के खाएं जार निकालें जार खाएं जार निकालें जार मर जाओ, क्या यही जीवन है? सतलोक में सारी सुविधाएं हैं, जो खाओगे वही बॉडी में ही हजम होता है, ना कोई टट्टी ना पेशाब उसमें कुछ नहीं होता ऐसा गजब का, ना कोई अब सोते उठते आदमी फ्रेश होता है, फ्रेश होते सबसे पहले टट्टी मांस दे है, तो यहाँ तो ऐसा ही रहेगा। तो वहाँ चलेंगे हम जहाँ सारा सुख है, इतना सुंदर शरीर कभी वृद्ध नहीं होते, वहाँ कोई बकवास नहीं आती मन में, दोष नहीं होता। जब आत्मा निर्मल हो जाती है विकार होते ही नहीं, बकवाद करने की इच्छा ही नहीं बनती। तो ज्ञान से अब परमात्मा ने ये शिक्षा इसलिए दी हमारे को कि हम जो मैं बताऊंगा, परमात्मा के ने कहा था कि जो ज्ञान हम देंगे फिर हम अपना एक दास भेजेंगे। वो तो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले सतगुरु रूप में दे गए थे, कबीर भगवान कबीर वाणी के माध्यम से, कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर साखी, इस तरह उन्होंने कई भागों में बांट रखा है बाद में प्रिंट करने वालों ने, बाकी सभी कबीर वाणी है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है उसमें यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ बताता है, और उसको जानने के बाद सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर ये तत्व ज्ञान बताया था, तो जब काल से बात हुई थी और परमात्मा अपने जोगजीत पुत्र के रूप में आए थे, जब काल के लोक में प्रवेश किया, किस लिए आए थे? कि हमें दुखी देखा कि ये मेरे बच्चे वहाँ कितने सुखी थे, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं, कोई कैंसर नहीं, कोई कोढ़ नहीं, कोई बीपी आई ना लो होता था, ना कोई शुगर बीमारी थी, और ना इनको खाने का अभाव था, मजदूर बने फिरते। काल ने हमारे को कितना मूर्ख बना रखा है, किसी के पास थोड़ा सा पद मिल जाता है तो नीचे वालों को इतना दबा के रखता है, सब अपने कर्म फोड़ता सारा दिन उनकी आत्मा दुखा दुखा के, चाहे कोई फैक्ट्री मालिक है, चाहे कोई IAS IPS अधिकारी है, या कोई डॉक्टर इंजीनियर जज है, ये नहीं देखते तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि ज्ञान नहीं है किसी की आत्मा दुखावे, होय होय उसका, ये परमात्मा के बच्चे हैं। आप कहते हैं जो तगड़ा व्यक्ति और निर्बल को सताता है उसकी आत्मा रोती है, आत्मा रोती है, क्योंकि वो मुकाबला तो कर ही नहीं सकता किसी भी तरीके से ताकतवर मीन, जैसे कोई पद की ताकत है, पोस्ट की ताकत है, या वैसे अपने कोई घर कबीले में घने व्यक्ति हो जाए उनकी ताकत है, स्वयं बलशाली है, तो इस तरह का व्यक्ति गरीबों को सताता है, अपने से नीचे वालों को इतना तंग करता है कि जितना वो कर सकता है बिना ज्ञान के। तो यहाँ परमात्मा ने आके बताया है कि कबीर गरीब ना सताइए, जाके मोटी हाय और बिना श्वास की जीव से लो भस्म हो जाए। देखो कहते हैं गरीब को ना सताना, आपकी ये हालत हो जाएगी, क्योंकि वो तो जीवित श्वास है, आत्मा से उसका कनेक्शन है, रो रहा है, उसकी आत्मा दुखी है, तो उसको जरूर प्रतिफल मिलेगा, दो दिन पीछे मिल जाएगा। उदाहरण दिया है कि जैसे पहले एक धोंकनी होती थी, पशु के चाम की बनाई जाती थी और लोहार और सुनार लोग उसी का प्रयोग करते थे, उसमें ऐसे एक हंडल सा लगा लेते थे, उसको पकड़ के ऐसे करते थे, आगे उसका एक छोटा सा सुराख होता था उस चमड़े में, और वहीं से वो हवा लेती थी और फिर ऐसे छोड़ते थे, वो हवा फूंक मारती थी अग्नि में, ऐरन में, जहाँ पर लोहे को गर्म किया जाता था, पिंगलाया जाता था। तो परमात्मा कहते हैं कि वो बिना जीव की सांस, यानी मरे हुए जीव पशु की खाल की सांस ने, श्वास ने लोह को भस्म कर दिया, और ये तो जीवित सांस है, आहे जो आए है, कहते ये गरीब ने ना सताइए, जाकी मोटी हाय और बिना जीव की श्वास से लो भस्म हो जाए, अरे तुम तो जीवित श्वास को दुखी कर रहे हो, तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा।
तो इस काल ने हमें नो भी पाप एक दूसरे के साथ अपने कर्म बिगाड़ने के लिए सिस्टम पूरा फिट कर रखा है कि इनकी ब्रांड माटी कर दूं, और फिर ये अपने वो एक दूसरे का किया कर्म यहाँ भोगते रहे और आजीवन दुख पाते रहे। और परमात्मा इसलिए आते हैं कि ये बुरा करते हैं अनजाने में, आज किसी की चोरी की, निंदा की, उसका अगले जन्म में फिर देना पड़ता है। कोई दामाद बनकर लेगा, बेटी भी लेगा और धन भी लेगा, और फिर मर जाएगा और बेटी विधवा होगी, फिर उसके पालन पोषण में बच्चों के लागे रहेगा वो मूर्ख। तो ये तो यहाँ का की व्यवस्था है, इसको समझना पड़ेगा। और उसी को समझाने के लिए भगवान आए कि मेरे बच्चे देख कितने दुखी हो गए, इनको वहाँ कोई अभाव नहीं था, देख किसी अक्ल मारी गई इनकी। तो जिस माता पिता के बालक बिगड़ जाए किसी कारण से भी, उसको चैन नहीं पड़ता, जब तक उसकी पार बसाओगे नो सोचेगा ये कभी सुधरे और वापस आ जा, और फिर मैं सीने से लगा लूँ, इनको सारी संपत्ति दे दूँ, मैंने क्या करना है। तो वो हमारा पिता है, हम गलत आदमी इस काल के आकर फंस गए, ये गंदा आदमी है, ये सत्य कति झूठा कपटी हर तरह से हमें मूर्ख बनाकर यहाँ पर फांस रहा है। इसको श्राप लगा 100,000 मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का, इसलिए हमें पाल रहा है, अपने स्वार्थ सारी बुराइयां करवाता है। आप देखते हो बीड़ी शराब तंबाकू फीम सुल्फा भूकी, ये खाने की चीजें मांस ये खिलाता है ताकि इसका टेस्ट बने। हम सूक्ष्म स्थूल शरीर से जो खाते हैं, एक अंदर शरीर है सूक्ष्म, उसके अंदर ये सारी वासना डिपॉजिट हो जाती है, इसमें समा जाती है। कुछ अधिक आहार तो लग जाता है शरीर के पोषण में, स्थूल के शेष जो वासना है उसका टेस्ट होता है, वो अंदर जाता है, समाता है जीव के माध्यम से, और फिर इनको ये कवर तो ऊपर रह जाता है, यही छोड़ जाते हैं। सूक्ष्म शरीर जब जाता है मनुष्य का, एज रिच रहता है जब तक दूसरे प्राणी में नहीं जाता, ये सूक्ष्म शरीर एज रिच होगा। तो ये तो ऐसा है जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है और सर्प अलग होता है, तो हम तो उस कांचली की क्रियाक्रम में लगे रहते हैं यहाँ पर, कभी गंगा ठा के ले जाएंगे, कभी कितब कर्म कराएंगे, वो सांप तो जा चुका है, वो तो है नहीं इसमें। तो उस जीव को फिर तपत शिला पर डालता है, वहाँ उनको बुरी तरह तड़फाता है, क्योंकि जितने जिसने ज़्यादा हुक्का पी रखा है, जिसने ज़्यादा शराब पी रखी है, मांस खा रखा है और ज़्यादा भूखी पी रखी है कोई नशीली वस्तु में, कि वो टेस्ट है उसका, उस काल का, मन का, ये मन उसका एजेंट है। तो उनको ज़्यादा समय तक उस तपतशिला पर जलना पड़ता है, वहाँ चटक मटक होते हाहाकार मचती है। जिन्होंने थोड़ा ये बकवाद कर रखी होती है वो थोड़े समय तक तपतशिला पर रहता है, तपत की टुकड़ी एक तवी है, तवा समझ लो बड़ी, ये तई होती है बड़ी बड़ी रोटी बनाने की, इन पर रखते हैं भट्ठियों पर, इस तरह की बहुत बड़ी है पत्थर की, और उसमें अपने आप गर्म होती है, उसके फारेनहाइट का भी अंदाज़ा नहीं कितनी गर्म है। और जिन्होंने ज़्यादा यह मांस शराब तम्बाकू प्रयोग कर रखा है और वासनाएं की हैं, तो वो ज़्यादा समय तक दुखी रहते हैं, बहुत समय तक उनको, बहुत समय उनको ज़्यादा माल होता है उनमें तो देर से निकलेगा सारा, और जिन्हें कम कर रखे हो जल्दी फारिग होकर गधे कुत्ते बनोगे, फिर जाना कहीं नहीं, रहना यहीं पर है। तो जहाँ पर ये तपतशिला पर जीव भुनने जा रहे थे, परमात्मा वहाँ आकर खड़े हुए अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के। उधर से काल ने पहले तो उन बच्चों को समझाया जो वहाँ दुखी हो रहे थे, वो पूछ रहे कि हे परमात्मा, परमात्मा के वहाँ पहुँचते ही कबीर भगवान के उनकी सब की जलन बंद होगी, वो भट्ठी न्योकी नो जल रही है, तई तो न्योकी नो गर्म ऐसे ही, और उनका कोई आँच नहीं, जैसे प्रहलाद भगत के आँच नहीं लगी भगवान की कृपा से। एक बिल्ली के बच्चे, एक कुम्हार ने आवा लगाया था, आवा लगाते थे मटके पकाने के लिए, कच्चे मटके में बिल्ली की आदत होती है कहीं से बच्चे उठाए कहीं रख दिए, उसने रातों रात एक मटके में बच्चे रख दिए। कुम्हार ने वक़्त से आकर वो घड़ा नीचे दाब दिया, पहुंच गया जहाँ भी ठाठा धर दिया फटाफट जल्दी में, और अगले दिन उस दिन आग लगा दी उसमें। फिर वो बिल्ली आई घूम फिर के आहार करके, तो उसके चारों तरफ रोए हाहाकार मचा रखे बच्चे, म्याऊ म्याऊ करे। तो कुम्हारी बड़ी दयालु थी, भक्त सी भगवान की, पूर्व जन्म की, वो संस्कार देखो कैसे बिगड़ते हैं और कैसे बनते हैं। तो उस कुम्हारी को पता लग गया कि ये तो बिल्ली के बच्चे
इसकी मटके में रह गए और अब हमारे वश से बाहर की बात हो गई और अब माँ को पता होता है बच्चों का कितना दुख है। वो भी माँ थी और बिल्ली भी माँ थी। तो कुम्हारी ने मालिक से अर्ज लगाई, हे परमात्मा हम पर पाप बनेगा, गलती बन गई, हे दाता इसके बच्चे बचे। उधर से वो बिल्ली भी पुकार रही थी। तो मालिक ने क्या किया, देखो पूर्व जन्म के दास जो आपको कह रहा है ये काल कैसे बर्बाद कराता रहा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि हम अपनी पूंजी को नाश करते ही रहे। अब देखो आपने पुणात्मा ये तत्व ज्ञान है, ये रामकृष्ण की स्टोरी तक कोई सुना देगा, खड़ा होगा कितने भी सुन लियो तुम, पांच चार संस्कृत श्लोक बोल देगा, तुमने राजी कर देगा, दक्षिणा लेगा और ये होता ही रहा अभी तक। ये तत्व ज्ञान है जिसका सब तरह का निष्कर्ष निकलेगा। अब प्रश्न चल रहा है कि तुम्हारी चोरी हो रही है, तुम यहाँ पूंजी कभी इकट्ठी करते हो, फिर चोर कैसे कैसे तुम्हें लग लूटते हैं ठग। अब जैसे एक टटीरी थी, महाभारत में प्रकरण आता है, ये सच कथाएं हैं, आज तो वैज्ञानिक पाक के इनमें ना समझ माती ना हो बाकी सच्चाई मिटा नहीं करती किसी के ना मानने से। महाभारत में एक कहानी आती है कि एक टटीरी पक्षी है, टटीरी उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए, जमीन पर पैदा करती है वह अंडे, और उधर से क्या हो गया महाभारत के युद्ध का समय वहीं उसी दौरान खड़ा हो गया, चारों तरफ से दोनों तरफ सेना खड़ी होगी आन लगी, तब उसने देखा ये तो विद कमाल हो गया, तेरे बच्चे मारे जाएंगे, घोड़ों के हाथियों के पैरों के नीचे रथों के नीचे आके कट जाएंगे। तो उसने भगवान से अर्ज लगाई, हे परमात्मा मेरे बच्चों की रक्षा करना। अब देखो दास जो आपको बार बार बताता है, तो उसी समय परमात्मा ने उसकी अर्ज सुनी, ऊपर से इंद्र के हाथी का एक घंटाला टूटा, 88,000 मन का था, 88,000 मन, एक मन 40 किलो का होता है, 88,000 को गुणा करके देख लियो कितने क्विंटल बनेंगे 40 से, तो वो आके गिर गया, इतना भार आओ। अब उस महाभारत के युद्ध में किसने फुर्सत ने देखा, किसने देखा, महाभारत हो गया, 18 करोड़ आदमी कटके मर गए और वो अंडा के आंच भी ना लगी, वो नो के नो बच्चे बन गए, वो नो के नो अंडे सुरक्षित पाए। फिर बाद में देखा भाई यू क्या है ना उठाओ है, वो सब ने लाग डू कब गेरा टेढ़ा, तो बच्चे पाए नो के नो और टटीरी वहाँ आके बैठ गई। तो कहने का भाव ये अपनात्मा, टटीरी ना तो राम की पूजती थी, ना श्री कृष्ण न जाने थी, ना कोई विष्णु उस समय जानती थी, किसी को नहीं जानती थी, इसी तरह ना बिल्ली जानती थी किसने पुकारू, आत्मा रोए थी उस समय, परमात्मा आत्मा परमात्मा को याद करती है, चाहे पशु की है चाहे पक्षी की, और उनकी सुनाई कैसे होती है, अगर उनके पूर्व जन्म के कोई पुण्य उनके साथ थे तो वहां बचाव होता है। जैसे दास पहले श्री राम श्री कृष्ण जी का विष्णु जी का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, और घर में जो भी सुख हो रहे थे, सुख हम पहला सुख मानते थे संता, ब्याह हो गया, विवाह के बाद बेटा बेटी हो गए, क्या बात हुई, और सोचते थे मेरे भगवान ने दे दिया, श्री राम ने दे दिया, कृष्ण ने, जो सा भी सामना आ जाता उससे का शुक्रिया कर देते थे, ध्यान माते ही अगर हनुमान जी ने दया कर दी, बाबा श्याम जी ने दया कर दी। अब दया अब पता चला, सूक्ष्म ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये तो हमारा पूर्व जन्म का संस्कार ही हमें मिल रहा था। जैसे पास हो गए बच्चे, इसी में सुखी मना खुशी मनाते हैं, बच्चे को तो वही बड़ी भारी बात होती है और बड़ा हर्ष का काम होता है कि पास हो गया, हो फिर नौकरी मिल गई, कहना है क्या, अच्छी सर्विस मिल गई। तो ये सब हम अपने इन भगवानों को देते थे जिनकी हम पूजा करते थे, श्रेय उनको देते थे क्रेडिट। अब पता चला ये तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, वो तो कबीर परमात्मा ही पिछले जन्म के संस्कारों से ही आपकी मदद करता आ रहा था, चाहे कोई पशु है चाहे कोई पक्षी। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को समझना है। परमात्मा सत्संग के अंदर हर पहलू पर विचार प्रकाश डाला जाता है ताकि आप अच्छी तरह दृढ़ हो इस ज्ञान पर।
ये एक ऐसा सामूहिक सत्संग स्थल है, ऐसा शिक्षा स्थल है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, यही पढ़ाई पढ़ाई जाती है इसको इकट्ठा ही बैठा के। और इसमें दूसरी कक्षा के यानी तो दूसरी बार हाजिरी लगवाने आए हैं, प्रथम कक्षा के तो इसमें पहला नाम प्राप्त है, दूसरी के जिनको सतनाम प्राप्त है, और फाइनल वाले भी हैं जिनको सार नाम प्राप्त है। तो सबको ज्ञान दिया जाता है और इस ज्ञान की रह रहकर सबको आवश्यकता होती है। सार नाम प्राप्त करके इंसान कोई खुदा नहीं बन जाता या मुक्त नहीं हो गया वो, यदि उसकी वो इस ज्ञान को आधार बनाकर अपना जीवन नहीं जीवेगा तो कभी भी फेल हो जाएगा, यहीं फिर काल का फंस जाएगा। इसी तरह कमाई तो उसकी नौ की नौ बच जाएगी जो कमाई कर ली, लेकिन यहीं रहेगा तो फिर उसको इसी तरह कभी ब्रह्मा बनाओगा, कभी विष्णु, कभी शिव बनाएगा, फिर देवता बनाएगा, फिर बिल्ली बनाएगा। वो पूंजी तो इस समय की होगी आपके पास और वहां आपको ठगा जाएगा, एक दूसरे को दुआ बच्चों के लिए ही भिक्षा भीख मांग मांग कर दुआएं दे देकर। ये देखिए बूढ़ा बुढ़िया, पुराने समय में बुढ़िया क्या करती थी, कोई बहू आती थी, कोई बड्डी शाणी उससे के पैर दबाया करती थी बड्डी के, और वह आशीर्वाद देती थी, हे बेटी तू पुत्ता फड़ियो, दूधा नहाइयो, और तेरा तुम बूढ़ सुहागण हो, बूढ़ सुहागण माने बुढ़ापे तक नाम रहे तेरा पति, ये आशीर्वाद देती थी। तो वो जितनी थोड़ी बहुत पूंजी उन्होंने बची थी वह बहू तो दे दी, हाँ बहू फिर आगे दे देगी अपनी बहू आते ही, अंत में कोई से पीछे कुछ पल्ला कुछ नहीं रहा। अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, किसी को दुआ नहीं देना, किसी को आशीर्वाद देकर अपनी चोरी मत करवाना, ठगवाना मत। अपने बच्चों को भगवान से जोड़ दो, अब बेटा आप भी कमाई करो, तुम भी मजदूरी करो भगवान की, या आप पे सुखी रखेंगे, सारा धन इनके पास भी हो जाएगा। ऐसी गलती नहीं करना, तो आपको हर पहलू पर सतर्क किया जाता है। और हमने देखा पहले तो बुढ़िया अपनी बहू अपनी सासू के पैर दबारी, एक फार्मूटी कराती पाँच दो चार मिनट, और वह नरिये तो आशीर्वाद दे देती बिना गिनती के, और फिर सासू बहू का हो गया झगड़ा, और फिर नौकर तेरे भाई मरियो, तेरे भतीजे मरियो, तेरा नाश होइयो। वह बुढ़िया फिर दूसरे बैंड पकड़गी, दूसरा स्टेशन पकड़गी। तो नो प्लस माइनस करके कुछ तो दुआ में खोए, कुछ बद दुआ में खो दिया, बुढ़िया गुतरी बन गई, गदी बनकर घूमे, फिर अपना खाली होगी। तो ये वो चोरी हो रही है, और उसको जगाने के लिए परमात्मा ने पहले तो मालिक आए स्वयं, गांव गांव में नगर नगर में कहीं खड़े हो जाते थे डंडोरा लेकर एक तारा ये सुनाते थे। अब जो प्रसंग चल रहा था वही आते हैं कि जैसे वो बिल्ली के बच्चे जो थे आवे में, और बिल्ली चारों तरफ रो रही थी, हाहाकार मचा रही थी, उधर से प्रहलाद भगत भी एक ऐसे पिता का जन्मा था जो कति नास्तिक और खुद भगवान बना बैठा था, लेकिन वो पिछले संस्कार का बालक था, कभी इसी जन्म में उसने भक्ति की थी, वो भक्ति की अब तभी तक कसक उसमें थी, राक्षस परिवार में भी जन्म लेकर उसमें भक्ति की आस्था थी, तो पिछले जन्म का पुनकर्मी प्राणी था, और उस पिछले पुण्य से ही उसकी कबीर परमात्मा ने ही नरसिंह रूप धारण करके उसकी मदद की थी, इन विष्णु वैष्णु का व्योत नहीं था। अब धीरे धीरे आपके प्रकाश में आएगी सारी कहानी, अभी तो इन्हें मूर्ख बना रखा था, हमने सिर्फ एक सटोरी सी बनाकर छोड़ दी थी, कथा सुना दी थी। प्रहलाद को क्यों बचाया, अन्य को क्यों नहीं बचाया कभी ऐसा, और यहाँ सबको बचाएंगे जो जो नाम ले रहे, तो आप तारे सामने दिखा दूंगा कितने रक्षा कर रहे परमात्मा पल पल में कर रहे हैं। ऐसी ऐसी दुर्घटना सुनाते हैं बच्चे, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा मदद करते हैं, अब प्रत्येक के साथ कर रहा है, वो पिछले जन्म के थे, अब ताजे और बना दिए हमने, अब इनसे भी साथ होगा भगवान, इनके प्रतिफल भी आपको देना शुरू कर देगा। तो प्रहलाद कच्चा पक्का था, प्रहलाद के पिता ने बचपन से तो भगवान की भक्ति करता था, लेकिन विष्णु का पुष्प जैसे भी सुना ज्ञान किसी ऋषि से, नारद जी ने उसको गर्भ में शिक्षा दे दी थी जब वो गर्भ में था मां के, उसके आधार से वो विष्णु जी का पुजारी बन गया, और विष्णु का दुश्मन अरण्यकश्यप उसका पिता,
उसने ब्रह्मा की भक्ति करके शक्ति प्राप्त कर ली, थोड़ी बहुत सिद्धि सिद्धि उस हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया कि मैं ही खुदा हूँ, सुबह मरूँ ना शाम मरूँ, आशीर्वाद ले लिया, पशु से मरूँ ना पक्षी से मरूँ, अमर मान लिया अपने आप को। इस कारण से उसने अपने बेटे से कह दिया कि विष्णु का नाम नहीं लेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। अब वो कुछ उसको क्या किया कि एक सांडा और मुर्का नाम के दो भाई थे ब्राह्मण, वो आचार्य थे, गुरु थे, जो उस प्रह्लाद को और वहां के अन्य ब्राह्मणों के बच्चों को पढ़ा करते। ये खुद भी ब्राह्मण था अरण्यकश्यपु, तो प्रह्लाद को उनके पास भेज दिया कि तुम इनको पढ़ाओ और मेरे को भगवान इसके अंदर जचाओ। तो उस समय प्रह्लाद कच्चा पक्का सा हो रहा था कि भी हो सकता ये भी हो सकता, रोज देखो एक झूठ ने 100 बार सुन ले तो वह सच्ची सी बन जाती है। इसी सच्ची थी में परमात्मा ने उसको फिर दृढ़ता करना था। वो बिल्ली रो रही थी और कुमारी भी रो रही थी, और प्रह्लाद उसी रास्ते से अपने गुरु उस पाठशाला में जा रहा था, सांडा मुर्का वाली पाठशाला में। जब वह माई रो रही थी, बिल्ली का तो उसने नहीं ध्यान दिया क्यों रो रही है, उस कुमारी से पूछा कि माई क्यों रो रही हो आप बताओ। उसको पता था राजा का लड़का है, बताऊंगी कि महाराज मेरे से गलती बन गई और इस बिल्ली के बच्चे अंधेरे में और किसी मटके में चले गए कच्चे में, अब इसमें आग भयंकर लग गई है, आग चल पड़ी है। पहले कहते हैं ये जो आवा था 1 महीने में पक्या करता था, और फिर क्या हुआ तो उसने बताया कि 1 महीने तक को छेड़ नहीं सकता, इतनी अग्न होती है इसमें। तो माई ने उस प्रह्लाद ने पूछा फिर आप कैसे रक्षा करोगी कि भगवान करेगा, अब मनुष्य नहीं कर सकता, अब जीव नहीं रक्षा कर सकता, अब तो राजा भी नहीं कर सकता। राजा मान ले सैनिकों को बुलाकर मटके तो बुझा सके, मटके निकाल सके, लेकिन वो तो मर लेंगे, इतने एक का जल में मर जाएंगे वो बेचारे, तो भगवान ही बचा सकता है। क्या माई भगवान, भगवान विष्णु जिससे भी भगवान है, यानी क्या माई भगवान इतना ताकतवर है कि वहां भी रक्षा कर देता है, कहां बेटा। हाँ महाराज, परमात्मा इसलिए कहते हैं, कहने लगा माई जब तुम ये आवा तुम्हारा पक जावे, तुझने पूछा क्या तुझे विश्वास है माई कैसा होगा, कहा मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर। तो उसने प्रह्लाद ने कहा कि जब तुम्हारा ये आवा पक जावे, ये किलन बट्ठे मटके पकाने का बट्ठा, उसको आवा बोलते हैं पूजा आवा, तो जब ये पक जाओ तो मुझे बुलाना, उसके बाद इसको खोलना, और यदि ये बच्चा जीवित पागे तो मैं भी इस भगवान के अतिरिक्त किसी को मानूंगा नहीं, किसी की भी, और नहीं तो माई खबरदार आज के बाद तूने राम का नाम यहां पर ले दिया, मेरे पिता का नाम दिया करो। उसका रंग चिट गया था थोड़ा सा, तुझे मालूम नहीं मेरे पिता को पता लग गया तेरे को जान से मरवा देगा। तो माई कहने लगी मुझे मालूम है लेकिन मेरी मजबूरी है, आपके पिताजी भगवान नहीं है और इनको नहीं बचा सकते, मेरा भगवान बचाएगा। इस कारण से क्या हुआ, परमात्मा ने ऐसी अगले ही दिन ऐसी ठंडी हवा चलाई, वो तो लीला थी दाता की, 3 दिन के अंदर, पहले एक महीने में पकता था 40 दिन में, 3 दिन में आवा पक के तैयार हो गया और आग बुझ गई, कती ठंडी होगी। अब राजा के लड़के का आदेश था, जब प्रह्लाद आया पाठशाला में जाने के लिए, कहा महाराज आज आवा मालिक की दया से 3 दिन में पक गया, आज हम इसको खोलेंगे। प्रह्लाद वहीं बैठ गया, अब खोलो, वो निकाला, एक मटके में जिसमें वो बच्चे थे उसका अग्नि की आंच भी नहीं लगी थी, नू का नू कच्चा था, बच्चे सुरक्षित थे। तो उस दिन से प्रह्लाद को दृढ़ विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान ही कर सकता था, मेरा पिता यहां कोई का कोई रोल नहीं था, जो बेसिक राजा है और बेसिक ये भगवान कहता। तो उसके बाद सांडा मुर्का को भी उसने कह दिया था कि गुरुदेव
आप गलत गाइड कर रहे हो, मेरा पिता भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान ही होता है, मैं उसी की भक्ति करूंगा। उसके बाद फिर पिता पुत्र की ठनगी थी, हाय हाय, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे, प्रहलाद पैज परवान करी थी, धर नरसिंह अवतारे, दीन दयाल दया कर उतरे, एरना कुस उदर वेदारे, मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। गरीबदास साहब जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे, गांव छुड़ानी जिला जजर हरियाणा में, ये किसान थे, जाट थे, खेतों में बहुत बड़े लैंड लॉर्ड थे, 1500-1600 एकड़ जमीन थी, और वहाँ अपने ही खेतों में पाली गए हुए थे, गौवें चरा रहे थे। वहाँ सतलोक से परमात्मा अपने विधान अनुसार कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आकर उतरे थे। वहाँ एक कुंवारी गायों का दूध पिया था दाता ने, कबीर भगवान ने अपने आशीर्वाद से कुंवारी गाय ने दूध दिया बछिया ने, और वो पिया था, वहाँ का दूध नहीं पिया था। फिर गरीबदास जी को प्रथम मंत्र देकर सतलोक लेकर गए थे, सारा कुछ दिखा के गरीबदास जी को वापस छोड़ा था, पूरे ज्ञान योग से परिपूर्ण कर दिया था। तब उसने कहा था कि प्रहलाद पैज परवान करी, प्रहलाद ने जो दृढ़ता कर ली थी, प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, हिरण्यकश्यपु की नहीं करूंगा, बाप तो है लेकिन भगवान नहीं है, कहते उसकी जो पैज थी, प्रतिज्ञा थी, उसको परवान करना यानी उसको सिरे चढ़ाया, उसकी रक्षा की, उसको सफल बनाया, और दीन दयाल कबीर भगवान दया कर उतरे, वहां से अवतरित हुए ऊपर सतलोक से, और हिरण्यकश्यपु उधर विदारे, हिरण्यकश्यपु का पेट पाड़ के आंत काट दी बार, नरसिंह रूप बना के। अपना आत्मा ये है तत्व ज्ञान। अब धीरे धीरे आपके कत्ती देखो, वो जूठा फेट हो रहा था, वो तो नकली पैंट था, अब ये रेग मार लगा रहा दास साथ में, और ये असली पेंट ही बोगा अपने, और ये कभी नहीं उतरेगा, ये फेड भी ना होता फिर सदा एक साई रहेगा। अब प्रसंग चल रहा था, कबीर परमात्मा जोगजीत रूप में वहां खड़े हैं, जहां पर वो जीवों को भून रहा था, उनके जाने से वो तपतशिला पर बिल्कुल आंच बंद होगी, जैसे बिल्ली के बच्चों के आंच नहीं लगी, सारे और मटके पक गए, टटीरी के बच्चे वहां बचा दिए दाता ने, 100 प्रिय कारण बनाकर, कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हिरण्यकश्यपु जो मार दो मन नरसिंह दर का साज, गरीब कबीर परमात्मा कहते। तो वो जब उनको आंच नहीं लगी, अग्नि कुछ दुख नहीं दे रही थी, सब शांत होकर बैठ गए उस तपतशिला पे, वहां पर पंडित जी भी थे, ऋषि भी थे, उनके सागिर चेले भी थे, जिनको वो मूर्ख बनाकर वह भक्ति पर ला रहे थे, वो सारे वहीं जल रहे थे, गुरु भी शिष्य भी। तब परमात्मा वहां खड़े हुए, हाय हाय, उनके जाते ही वो जलन बंद होगी, जब जैसे किसी के सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, कितना प्यारा आदमी दौरे बैठा और बोलन जी नहीं करे, नहीं दिल करेगा, जब वो पीड़ा खत्म हो जाएगी फिर कुशल मंगल पूछेगा, प्यार से बोलेगा। इसी प्रकार जब परमात्मा ने उनका वो संकट खत्म कर दिया, आंच की जलन बंद कर दी, सारे बैठ के आराम से और उस अग्नि में बात कर रहे हैं बैठे बैठे, परमात्मा उनको सुन, उनने पूछा कि हे भगवान, हम कौन से पाप का दंड भोग रहे, क्योंकि ब्राह्मणों को इतना ज्ञान तो हो ही जाता है, कर्म का ही दुख, कर्म से ही सुख होता है। तो परमात्मा ने बताया कि ये कर्म तुमका यहां का नहीं है, ये तो तुमने ऊपर करा था सतलोक में, वहां तुमने गलती की थी, मुझसे भगवान को छोड़कर तुम शैतान के साथ आ गए, यहां पर या तो यही करेगा तुम्हारे साथ ही, कोई जीव सुखी है, ये फूले फिरे को मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया,
परमात्मा कहते हैं सारी पृथ्वी का भी राजा बन जा। चक्रवर्ती राजा बोला करते थे उसको, चकवे राजा बोलते थे, चकवे। तो परमेश्वर ने बताया कि जो पूरी उदय अस्त वित राज चले थे, ऐसी जन ठुकराई और चुन कृषि स्वर कल्प करी, राज खोज न पाया राई। वो पृथ्वीपति चकवे गए, पूरी पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती उनको संत भाषा में चकवा कहते हैं, चकवे राजा जिसका पूरी पृथ्वी पर शासक हो, शासन हो। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्री खेकोण गण ऐसे गए अनंत। फिर क्या बताया कि चकवे हो गए चूहा, वो जो चक्रवर्ती राजा थे फिर बाद में चूहे बन गए मृत्यु के बाद, और फिर उड़े बिल खुद पंजों से बिल खोद कर रह रहा हो प्राणी, चाट ले उस चक्रवर्ती राजा की उस पोस्ट को। तो यहां परमात्मा ज्ञान दे रहे थे कि तुमने जो गलती की थी वहां पर सतलोक में इस शैतान के साथ आगे, तुम यहां नीचे जाकर तो फूल जाते हो, किसी की नहीं सुनते हो। फिर परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना सुनाई, तुम ऐसे मर रहे हो, अब कौन है तुम्हारे साथ? वो माया जोड़ कर रखा है, तो लड़ने बेटे बाप के मरते ही अंतिम संस्कार कराना और बांटने लग जाएंगे, यो मेरा यो मेरा यो मेरा। कोई शराब पी कर खो रहा है, कोई किसी तरह बर्बाद कर रहा है। तो उसने बताया कि तुम जो जोड़ का आए थे वो देखो, वो तो गया, तुम्हारे पास है नहीं। अब तुम्हारे पास क्या है? तुमने भक्ति की, दो लोगों को ठगा, भक्ति गलत करी और इनको ठग के बाप के भागी बने। अब आगे क्या होगा दिखाऊं तुम्हारे को? पंडित जी तू गधा बनेगा, ऋषि जी तू कुत्ता बनेगा। परमात्मा ने बताया है कि स्वर्ण नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये सभी बंधे काल की डोरी। काल की डोरी माने काल के विधान में ही है ये सारे सुर देवता मुनिजन 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता, ये सभी काल की डोरी से बंधे हैं, इनकी मुक्ति नहीं है। ये भी ऐसे जन्म मरण के अंदर, तब उस परमात्मा ने सारी कहानी बताई। तो फिर वो रो रहे हैं वो ब्राह्मण भी और उनके पुजारी, वो यजमान भी साथ से दुखी। वहां पर 1 लाख थोड़े हो क्या, पूरा टोल बैठा था, रिश्तेदार भी वहीं पर, राजा भी वहीं पर, राजा भी मरिया हुआ होता वो पुण्य अमर है सारे, वह सब रो रहे हैं। राजा से पूछ रहा परमात्मा, कहाँ गया तेरा वो साजबाज, कहाँ तेरी वह सेना? अब तेरा जूते मारेंगे गेर के यहाँ पर, ये यम के दूत देवो खड़े सामने, अब ले जाए पकड़ के तुम्हें, इस पर तो हो लो फारी फारी तुम एक बार। फिर सभी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि परमात्मा हमें बचा दो, हमारे मोक्ष करा दो। परमात्मा बोले कि जब तुम जाए धरो जग नर देहा, जब तुम संसार में जाकर मनुष्य जीवन प्राप्त करो, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा, तब तुम मेरे इस सच्चे ज्ञान को पर विश्वास करना, प्रेम करना जो मैं आज बता रहा हूं। फिर मैं वहां नीचे जाके ज्ञान देता हूं, देऊंगा, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। तब उन्होंने कहा कि हे भगवान, अब जीव कहे सुनो पुरुष पुराना, अब पता लग गया कि ये वास्तव भगवान ये है। पुराण पुरुष पुराण माने सनातन परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा, पुराणा माने सबसे आदि का। जीव कहे सुन पुरुष पुराना, देह धर विसरो नहीं ज्ञाना, मैं हम फिर मनुष्य जीवन पाओगे तो ज्ञान न भूलेंगे नहीं। यू काल सबसे पहले यही बुलाता है, माँ के गर्भ से आते हैं, पता ही नहीं मैं कौन था, कहां से आ गया। तो वो काम भी भगवान ना आके करना पड़ता, तू कौन है, कहां से आया था, तू यहां क्यों दुख पा रहा है, तू यहां का वासी नहीं है, तेरा लोक कोई और है जहां कभी मृत्यु नहीं, जन्म नहीं होता था, कहीं रोग नहीं था, कोई विषय नहीं था। आज कितना सुंदर परिवार तुम्हारा, कितने बच्चे प्यारे लगते, बिल्कुल सही है। अरे एक मिनट में ना बेटे का पता, ना बेटी का, ना बाप का, कुंबा का कुंबा मर जाता है, फ्लड में लाखों लोग मर जाते हैं। ओए होए होए, पुण्यात्माओं तो परमात्मा ने उसको बताया, कहने लगे जी हम जब आप आओगे हम खूब आपका ज्ञान सुनेंगे, आपकी भक्ति करेंगे। परमात्मा बोले मुझे मालूम है जी तुम भक्ति करोगे, जाओ इब तुम मजबूरी में, तो सब कहते हैं दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई,
जय सुख में सुमरण करे तो ये दुख का ही गुण होए। सुख में सुमरण किया नहीं और दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब आप चिंतित ना होना कि अब दुख मामाए हैं कदम हमारी फरियाद ना सुने ना, ये तो उस समय की बात थी जब तक ये ज्ञान भगवान ने प्रचार और यह जड़ी ना दी थी, तब तक कोई बेसिक पुकार करें जाओ जिसका पूर्व संस्कार नहीं है उसको कुछ नहीं मिलना, और कुछ मिलना है तो पूर्व संस्कार से ही मिलना था। अब आपको पूर्व संस्कार तो आपका सुरक्षित है ही, लेकिन आगे जो भक्ति बता दी इससे आपकी रक्षा होगी, आपकी पुकार भी सुनी जाएगी, आपके संकट भी दूर होंगे, आपका रोग भी दूर होगा, आपका मोक्ष भी होगा। ये तो नए सिरे चादर हो गए। तो वो तो उनके लिए बोली गई थी वाणी, जब भक्ति वो गलत कर रहे थे तब कह रहे थे तुम अब ठीक है, तुम्हारा पूर्व संस्कार का तुम्हें मिल रहा है, जब तक तुम्हारी बैटरी चार्ज रहेगी, पूर्व जन्म के पुण्य तुम्हारे साथ है, कितने को बद करो, कितने खोटे काम करो, वो तो सारी मिलेगी, लेकिन आगे फिर जब आपत्ति शुरू होगी तब रोग भगवान को फिर नहीं सुनेगा तुम्हारी। उनको कहा कि जैसे अब मालिक को तो पता ही था इनकी ब्रेन मैटी धो ही रही है, अब जो सुख में लगे हैं वो तो सुखी चल ही रहे हैं ना, तो उनको दुख खाने थे क्योंकि या तो दोनों भोगने होते पुण्य और पाप भी। दास देख रहा है सन 1994 से 93 नाम दे रहा है और 20 वर्ष हो गए पूरे होने को जा रहे, तो उससे लेकर आज तक जिनने नाम ले रखा है जो ठीक मर्यादा में चले हैं कोई आपत्ति नहीं, उनको पता भी नहीं दुख की चीज़ हो से। और यहाँ आप देख रहे हो 90% नए आ रहे हैं जो हाहाकार मची है, हाहाकार सब क्या दुखी, कोई कैंसर है, किसी का कुछ है, हमारी आत्मा भी रोती है बैठकर बाद में याद करते हैं हे परमात्मा आपके बच्चों का क्या हाल हो गया, आप पर दया करोगे दाता, इनकी बुद्धि भी आप ही बदल सकते हो, ये तो रंग रखे रंग में काल ने निर्यजेंट छोड़ रखे, आपका एक दास ये ज्ञान बताने वाला और लाखों करोड़ों की संख्या में इनको बहकाने वाले, आप पर दया बख्शोगे तभी यह बात शरह चढ़ेगी हमारे जीव की बस के लिए, क्योंकि भगवान जब दया बख्शेंगे जब आप सच्चे दिल से यो मान लोगे कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, और कोई मदद कर भी नहीं सकता। तो ये सारा ज्ञान सुनाने का दास का उद्देश्य भी यही है कि आपको सब प्रमाण दिखा के ये सिद्ध कर दूं कि ये परमात्मा है, इसके बिना सुख कोई दे नहीं सकता, कर्म संस्कार बदल नहीं सकता, और ये अब आपको मिल गया, इसका विधि मिल गई, ये दास ने जो विधि बता दी यो भगवान मिल गया अपने। जैसे पानी प्राप्त करना है, पानी प्राप्त करने के लिए हैंडपंप लगाने की विधि बता दी, हैंडपंप सफल कर लिया तो पानी मिल गया, राम मिल गया आपको, यहीं पर राम मिल गया, और वहां सतलोक में जाओगे तो वहां तो परमात्मा है ही सब कुछ आपका, ये काल का लोक है, इसे बाहर निकाल कर आपको सुख होगा, यहां सुख तो ये अस्थाई है, या सुख भी दे देंगे राजा बना दिया फिर गधा बन जाएगा, परमात्मा ऐसी गलती ना करें आपको, ऐसा नहीं देंगे। अब भगत हो गए तो अपने हिसाब से तुम यहाँ से निकालने के तरीके अपनाओगा, यहाँ की जो आवश्यक सुविधाएं वो अवश्य देगा, दयालु है, लेकिन आप मांगोगे बकवाद तो वो नहीं देगा, तो उसको मालूम है। जैसे अब्राहिम सुल्तान आदम कितना बड़ा राजा था, कितना सुख था, उसको मालूम था ये पुण्यात्मा पिछले पुण्य को भोग रहा है, बकवाद में लगा हुआ है, 16,000 तक ब्याह करवा लिए उस मूर्ख ने थोड़े से जीवन के में है, और फिर फूला फूला खूब धन हुआ था पिछले संस्कार का, पिछले दान पुण्य कर रखे थे उसने, जब वो सम्मन वाली आत्मा थी, फिर शेर खां नाम का एक राजा बना शेरवान शेर में शेर, और फिर उसके बाद फिर उसके दान करवाया दाता ने, कभी फिर सुनाएंगे कथा जो पुराने उनको मालूम है, उसी पुण्य से राजा बना हुआ था, उसे भोग रहा था, फिर वो गधा बनता जाए, फिर मालिक ने उस प्यारी आत्मा को उस नरक से निकाला, राजपद छुटवाया उसके पीछे पड़ के, और जब उसने ज्ञान हुआ तब उसका समझ में आया सचमुच मैं तो गधा था, कति बेगार कर रहा था, फिर परमात्मा ने कह भी दिया था कि जा अब्राहिम अब ज्ञान तुझे होगा तो राज कर ले, हाथ जोड़ लिए दाता अब उस नरक में ना जा, भेज लो भेजो, अब तो पता लग गया मजदूरी कर लूंगा, लकड़ी तोड़ के बेच के गुजारा कर लूंगा दाता, तेरा आपका साथ रहे, मेरे मोक्ष चाहिए मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए।
और हम मांगे भगवान से ये दे दे ये दे दे वो दे, मांगने की जरूरत नहीं आने के बाद। या तो आपने मांगने की जरूरत नहीं, बालक नहीं, आप उसके बच्चे हो। आज आप उसके बच्चे हो गए, बेटा बेटी हो गए। जिस दिन आपने यहाँ नाम ले लिया, दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो शरीर से उसको बिंद के कहते हैं और एक नाद के, नाद जो वचन शब्द के। तो सम आज आप इस दास के माध्यम से वचन के बेटा बेटी हो गए, मेरे बेटा बेटी हो गए, तो भगवान के बेटा बेटी हो, थोड़ा दादा हो गए ना, समझो वो के दूर है। और परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुत्र। जैसे सुखदेव ऋषि को ज्ञान था और व्यास जी के घर उसका जन्म हुआ, उसकी पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष में तो माँ के गर्भ से बाहर आया था। अब देखो पुण्यात्माओं, ज्ञान हो गया, ज्ञान तो करा देते हैं सभी भाई, भगवान की भक्ति करो नहीं तो ये हो जा। अब ज्ञान हो गया समाधान, नहीं तो खा कर वो ज्ञान। अब सुखदेव ऋषि को गर्भ से ही पता था कि बाहर जाते ही मैं अचेत हो जाते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रहे रदुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमुण शिव, ये गुण ये हमें अचेत करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं उद्देश्य को। अब मुझे याद है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए मिला है, बाहर जाकर परिवार मोह में फंस जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं। इसलिए माँ के गर्भ से निकलते ही 12 वर्ष के शरीर एकदम बाहर आते, 12 वर्ष का शरीर का, पहले तगड़ी तगड़ी माताएं भी तगड़ी तगड़ी होती थी, और नाल को अपने कंधे पर डालकर उठकर चल पड़ा। सुख व्यास वेद वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा 12 वर्ष इंतजार की तेरी, पुत्र होगा। ऋषियों को पता लग जाता है बेटा है कि बेटी, उनकी दूरदृष्टि काम करती थी। पहले ये तो कोई था ही नहीं, लड़का ना हो लड़की ना हो, कोई हो मालिक थे, ये डिस्टर्बेंस नहीं थी जो अब शुरू कर रखी है अनजानपने में। तो सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पुत्रम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश ने सब बारा बैठा। कि पिताजी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप और तू मेरा बेटा हो लिया, ये पूरी चिट्ठी मेरे पास है। और इब क्या गलती करूं नहीं, मैं शक्ल भी ना देखूं तेरी बाप, मेरी मोह हो जाएगा आपके अंदर। यूं कहकर पिछले संस्कार से सिद्धि से उड़कर चला गया, पिछला बैटरी चार थे। अब उसको ज्ञान भी था, राजा जनक गुरु भी बना लिया, और फिर भी मोक्ष नहीं, क्योंकि राजा जनक कोई ज्ञान नहीं था, कि जितना ज्ञान था बता दिया। विष्णु का पुजारी था, विष्णु लोक में वो चला गया राजा जनक, विष्णु लोक में सुखदेव चला गया। अब राजा जनक को परमात्मा उस समय भी मिले थे, लेकिन जब घने ठाठ से थे, वो समय नहीं था जो दास आपको यहां लाना चाहता है भी, कि ये समय था मोक्ष का। अब राजा जनक जो थे पहले सतयुग में राजा अम्बरीश थे, वो विष्णु पुजारी थे, और सुदर ये दुर्वासा जैसे ऋषि तोब थे, बड़ी सिद्धि वाले थे, सब उस तरह डरते थे। अम्बरीश ऋषि ऐसे साधक थे, शील संतोष के थे, पिछले जन्म के संस्कारी थे, दुर्वासा की सिद्धि ने भी काम नहीं किया उसके ऊपर, आप पे फेल हो गया, बल्कि राजा अम्बरीश के पैर पकड़कर जान बचवाई थी उस दुर्वासा ऋषि। और वही ऋषि अगले जन्म में फिर राजा जनक हुआ, और वही राजा जनक फिर चला गया स्वर्ग में। रस्ते में काल कैसे चोरी करता है, कैसे ठगता है आपको पुण्यात्मा, एक एक प्रश्न को ध्यान से रखना, प्रत्येक में एक न्यारा न्यारा गुड़ रहस्य निकलेगा। जब राजा जनक ने अपने शासन काल में, जीवन काल में राजा था, बहुत गुणे धर्मपूर्ण किए थे, बड़ी बड़ी यज्ञ की थी, 100-100 मन घी की, सैकड़ों की संख्या, और काफी दान किया था, गौवें दान की थी ब्राह्मण ऋषियों को, लेकिन वो मंत्र ठीक नहीं थे। जैसा किया दान धर्म वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो राजा जनक जब जाने लगा, विमान में बैठकर जा रहा था, काल के दूत वहां से रास्ता था एक, वहां से ले जा रहे थे। वो काल के दूत नहीं थे उसके साथ, उसके साथ थे विष्णु जी के गण, विष्णु जी के गण और साथ में कुछ यमदूत भी उसी जहाज में बैठे जा रहे थे। तो वहां जाकर जब
एक नरक के साथ से उनका विमान गुजर रहा था, तो नरक के अंदर 12,000 आत्माएं अपने किए हुए पाप कर्मों का वह दंड भोग रहे थे, हाहाकार मचा था, चिल्ला रहे थे। और वो राजा था, दयालु राजा था, अपने राज्य में किसी को कोई दुख होता था तुरंत उसका निवारण करता था, उसको शांति देता था, किसी को दुखी नहीं होने देता था। तो जब उसने वहां जाकर हाहाकार मची देखी तो कहा कि पार्क दो, विमान रोको। विमान रोक दिया कि ये चिल्लाहट कहां से आ रही है, कौन दुखी है इस नगरी में। उन्होंने बताया जी ये नगरी नहीं है तो नरक है, इसमें 12 करोड़ आत्माएं इसमें दुख अपना कर्म का दंड भोग रही हैं। राजा ने कहा कि इनको कहो छोड़ दो, इनको निकालो इसे। तो पार्षदों ने जो साथ गए थे भगवान के दूत, उन्होंने कहा कि राजन या आपका हुक्म नहीं चलेगा या तो धर्मराज का हुक्म चलेगा कि धर्मराज को बुलाओ, धर्मराज के पास ले चलो मुझे, या धर्मराज को यहां धर्मराज को बुलाओ, और नहीं तो मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं भी इस नरक में इनके साथ ही रहूंगा, आगे मैं भी नहीं जाता। अब वो संदेशा धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने आके पूछा कि राजन क्या कारण है कि ये सब इनको छोड़ो, ये बहुत दुखी हो रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। तो उसने बताया जी देखो यहां ऐसा नहीं होता, जिसने जैसा कर्म किया वो भोगना ही पड़ेगा, ये मेरी वही मेरी पैड में लिखा है रिकॉर्ड में, इनको कोई बदल नहीं सकता, मेरी ताकत नहीं है बदलने की। तो राजा जनक ने कहा कि मुझे भी यहीं छोड़ दो, कि ये भी मैं नहीं कर सकता, आपको यहां छोड़ने का आदेश नहीं भगवान का, आपको कैसे छोड़ूंगा। तो कहने लगा मैं तो जाता नहीं, करो जो आपने करना है। अब ऐसे पुण्यकर्मी आदमी के साथ आत्मा के साथ वो भी ज्यादा खसा खसाई नहीं करते, फिर अपनी चापलूसी यानी चाणक्य ऋषि अपनाते हैं। धर्मराज ने कहा कि एक काम हो सकता है, आप अपने पुण्य दे दो इनको, पुण्य संकल्प कर दो, उन पुण्यों के आधार से मैं इनको सबको नरक से निकाल दे दूंगा, निकाल सकता हूं, आपके पुण्य इनको मिल जाएंगे, आपको इतना फिर डेबिट हो जाएगा, आपके पुण्य कम हो जाएंगे। राजा जनक बड़े दयालु थे, परमात्मा कहते हैं देखो दयालु होना जरूरी है, लेकिन अपने दयालुता में अपने पैर पर कुहाड़ी मारना कोई दयालुता नहीं है, वो तो मूर्खता है। राजा जनक ने कहा कि ठीक है मैं इनको अपने आधे पुण्य देता हूं, जितने मैंने धर्म पुण्य किए भक्ति भक्ति करी है, ठीक है। उसने उधर से काट के उन सब के बांट दिए, आधे पुण्य 12 करोड़ में बांट दिए, उनको सबको बाहर निकाला, अलग से विमानों में बैठाया, राजा के पीछे पूरा लश्कर भेज दिया चल। अब वो सारे स्वर्ग में चले गए, देखो पुण्यात्मा ये आपके चोरी हो रही है, आप कहाँ तक ठग लेता है, काल का जाल कितना भयंकर है, तुम तो यहां तो पता ही नहीं, या तो आप ठगे जाते हो, आपके पास तो कोई पूंजी कोई नहीं, वह बांट बूट के यहीं हो लिए, उसको तो और पूंजी लेकर जा रहा था वहां ठग ली। अब वो 12 करोड़ आत्माएं पहुंच गई स्वर्ग में, ठाट से रह रही है उसके पुण्य से, और जब वो पुण्य राजा जनक के दिए हुए वो बख्शे हुए खत्म होंगे, उसके बाद वही आत्माएं फिर पुनः उसी नरक में आएंगी जो उनके पाप न्यू के न्यू रखे थे, वह फिर भोगने पड़ेंगे। उधर से राजा जनक का जब वो आधा खाली कर दिया है, वो फिर खत्म हो गया त्रेता में, द्वापर में तक वो वही रहा, स्वर्ग में इतने पुण्य थे। अब कलयुग में वही आत्मा राजा अम्बरीश की राजा जनक बने, फिर राजा जनक की आत्मा ये श्री नानक देव जी बने तलवंडी के अंदर, तलवंडी पंजाब यानी पाकिस्तान के अंदर एक तलवंडी गांव है, वहां पर एक कालू राम मेहता खत्री यानी अरोड़ा उसके घर जन्म हुआ, उसका पिता पटवारी था, और स्वयं ये नौकरी करने लगे, फिर एक सुल्तानपुर शहर में एक राजा था नवाब था, और वहां इसकी बहन ब्याही थी
नानक साहिब जी के जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं श्री गुरु नानक देव जी, ये आदरणीय आत्मा कहाँ थी? अम्बरीश सतयुग में, राजा अम्बरीश लाखों करोड़ों सेना इसके साथ, और हा जय जयकारो थी, राजा जनक लाखों सैनिक लाखों नौकर इसके हाथ जोड़े खड़े रहते थे। और फिर वही अपने पुण्य से खत्म करके क्या बने, स्वयं सुल्तानपुर के नवाब के एक मोदी खाने में नौकर बने। अब परमात्मा याद दिलाते रहे बोली आत्मा, अब सुन ले इस विधान को जो हम बताने जाते हैं चाहते हैं। जब तक हम कबीर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे मोक्ष नहीं हो सकता, चाहे कितना कुछ बन ले। अब राजा अब नानक साहेब जी मोदी खाने में नौकरी करते थे, सुल्तानपुर शहर के पास एक नदी बहती थी बेई नदी, वहाँ सुबह सुबह सभी उस शहर के लोग स्नान करने जाते थे। परमात्मा काशी में प्रकट थे उस समय कबीर जी, एक वहाँ पर मिले जब नानक साहेब जी स्नान करने गए थे, तो पहले पहले दिन तो चर्चा हुई कि मैं कबीर हूँ, काशी में रहता हूँ, धानक का काम करता हूँ, मैं तो आपसे ज्ञान पूछने आया हूँ, मुझे ज्ञान बता दो, मुझे ज्ञान का पता नहीं है, आप तो महापुरुष हो, बड़े भक्त हो। गुरु नानक देव जी जो थे ये हिंदू थे, कालूराम मेहता के इनके घर जन्म था, और इन्होंने ब्रजलाल पांडे से गीता पाठ पढ़ा, गीता पढ़ा करते थे, उसका ज्ञान सुना करते थे, उसके आधार से विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा मान लिया था। श्री कृष्ण जी भी विष्णु अवतार माने जाते थे। तो ये बातें हो कर परमात्मा चले गए। दूसरे फिर कुछ दिन के बाद फिर उस दिन परमात्मा ने सारी बता दी थी कि विष्णु की यह स्थिति है, कृष्ण की ये स्थिति है, इसे मोक्ष नहीं हो सकता, और गीता में ये खुद गीता ज्ञानदाता कहता तू उसकी शरण में जा तब तेरा मोक्ष होगा, वो कौन है मुझे इसका ज्ञान बता दो, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। तो उस समय तो नानक जी को दुख हुआ, क्योंकि और भी बैठे थे सर होता, तो कबीर साहब उठकर चले गए कि ये नाराज हो जाएगा, आगे नहीं सुनेगा। लेकिन रात को चक्कर बन गया कि ज्ञान सारा का सारा सच्चा, मैं तो गलती कर रहा हूं, अब के वो कभी आए किसी प्रकार मुझे दर्शन दे, सारा ज्ञान सुनूंगा। कुछ दिनों के बाद फिर इसी प्रकार स्नान करने के लिए उसी प्रतिदिन जाते ही थे, तीन चार महीने के छह महीने के बाद उनकी खूब तड़फ देख कर परमात्मा जिंदा महात्मा बना का रूप बना कर उसी बेई नदी पर चले गए जहां वो स्नान करने की तैयारी कर रहे थे। तब वहां से सतलोक लेके उन्होंने छलांग लगाई दरिया में नहाने के लिए, परमात्मा ने उनको वहीं से अदृश्य कर लिया, स्वयं भी साथ लगा दी छलांग, अदृश्य कर लिया और सब को कहीं और रख दिया अपस्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था। लोगों ने सोचा वहां स्नान करने वाले सैकड़ों की संख्या में नगर के लोग थे, उन्होंने देखा कि बाहर आया नहीं, नानक जी डूब गए, नानक डूब गया, नानक जी डूब गए। उसकी बहन को बताया, उनके बहनोई को बताया, जयराम नाम था उसकी बहनोई का, नानकी नाम था इनकी बहन का। हाहाकार मच गई, राजा ने भी गोताखोर भेज दिए, जाल लगाए, वो खोद दे नीचे ने वो शरीर दर रखा 3 किलोमीटर ऊपर ने बन में, तो वो नहीं पाया। 3 दिन धक के बैठ गए, सब ने मान लिया कि नानक जी डूब के मर गए, और वो ले गए सतलोक में परमात्मा। वहां से फिर वापस छोड़ा तीसरे दिन, तब उस प्यारी आत्मा का मोक्ष हुआ। तो पुण्यात्मा इस सारे ज्ञान को समझ के आपको पता चलेगा कि अब वो समय है जब मोक्ष मिलेगा, और जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आएंगे, इसको नहीं पहचानेंगे, मुक्ति नहीं हो सकती। चाहे कितना शरपटक लो, ऋषियों ने कितना समय बिता दिया जंगलों में, शरीर कितना कष्ट दिया, सूख के पंजर हो गए, भगवान नहीं मिला। फिर सिद्धियों से खेलने लगे, सिद्धि मिल गई याठ योग करने से, फिर इस मैया अपने एक दूसरे को प्रभु पा के गए। ये सिद्धि तो एक आने के नहीं, हमने ये सिद्धि आपकी भक्ति में खूब आवेंगी, जो दास आपको मंत्र बता रहा इनका प्रयोग नहीं करना, नहीं तुम्हें नाश का कारण बन जाएंगे। इन सिद्धि माने इस ताकत से हम सतलोक जाएंगे, नहीं तो यही पंचर हो जाएगा फिर ये। तो अब क्या है, उसी प्रसंग पर आते हैं, वहां सबको समझा रहे थे भगवान, सारी कहानी बताई और कहा कि तुम जाओ
जिनको तुम भगवान मानते हो वो तुम्हें खा रहा है, जिसको तुम निराकार कहते हो वो साकार है, ये सामने आ रहा है। जब उन सभी जीवों ने देखा कि ये सामने ये है वो तुम्हारा निराकार का ज्योत निरंजन, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, और ये है वो ब्रह्म जिसको तुम ब्रह्म कहते हो। ब्राह्मणों ये है तुम्हारा ब्रह्म, और तुम्हारी अक्ल मारी जा रही है। देवी पुराण के अंदर तीसरे स्कंद में ना सातवें स्कंद में हिमालय राजा को जब ज्ञान दे रही है देवी, देवी दुर्गा जी, वो बता रही है कि तुम ओम की ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म की भक्ति करो और सब बातें छोड़ दो, किसी की पूजा मेरी भी मत करो और अनन्य मन से उसकी भक्ति करो, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म लोक में रहता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है ब्रह्म, वहां चले जाओगे। अरे ये नहीं कोई निराकार, फिर निराकार की तरह तो सब जगह है, पुराणों को भी ना समझा इनने। हाय हाय, वेद पढ़े पद पर भेद न जाने, ये बच पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें ये भूल गए सृजनहारा। कहते हैं वेद पढ़े पढ़ पढ़ भूले अर्थ ना खुले, वेद पढ़े अर्थ ना पढ़ पढ़ भूले, पढ़ तलिया लेकिन अर्थ ना खुले, इसलिए ब्राह्मण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। फिर क्या बताया, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझुन सौर रहे अज्ञानी, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। अब जैसे सरसों का जोड़ा होता है भूस, या ये धान निकालते हैं उसकी प्राण भूस होता है, और कोई मूर्ख उस प्राण में ठाठा पटकन लग रहा हो, और कोई इसको कहे क्या कर रहा है कि धान निकाल रहा हूं, धान इसमें थोथे भूस में माथा मार रहा है। तो जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तो ये अन्य साधनाएं हैं, थोथा भूस कूटना, तो इससे कुछ लाभ नहीं होना, कितना प्रयत्न कर लो। वो तो धान गेहूं नो के नो धान हो, जब मारे पटक पटक गरल गल पड़े ढेर लग जाए थोड़ी देर में, तो वो सतगुरु आज ये दास है उस परमात्मा का भेजा हुआ इस कलयुग में, ये याद रख लियो। ये दास इसलिए बार बार रिवाइज कर रहा है कि अपनी महिमा हमने आप बतानी पड़ी, परमात्मा खुद आए थे, हम ही अलख अलाह हैं, कुतुब गौस और पीर, गरीब दास खालिक दनी हबरा नाम कबीर, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसो में अवगत सत कबीर। पर ना समझ माई, जब स्वामी रामानंद जी को परमात्मा ऊपर ले गए, सारी स्थिति दिखाई, जब छोड़ा, जब मान गए कि दोहु ठोर है एक तू भया एक से दो, और गरीब दास हम कारणे आए हो जग मग दो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तुम ही बोलन हार। जब भगवान बता रहे थे सबको, कोई नहीं माना, वो भी रामानंद ने इसलिए मरना पड़ा कि आंखों देखाया। तो पुण्यात्माओं, यहां भगवान ने अपनी मई माँ बतानी पड़ी, इस दास ने भी अपना बतानी पड़ी कि मैं उस कबीर का दास हूं जो सारी सृष्टि का मालिक है, और वो ज्ञान और सतगुरु आज ये दास ही है। और जो सतलोक आसन भरवाला में आ जाएगा उसको यकीन भी पूरा हो जाएगा, फिर वो निडगमग हो सकता जो इंसान की जब वो मोक्ष की या कुछ ज्ञान ग्रहण की इच्छा से आया होगा। जो आया होगा बकवादों की, तो वो तो बता ही दिया आपको। कहते हैं कोट वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम भी ना सीजे। कहते हैं जैसे पत्थर को तो 20 फुट जल में डाल दो, दो टुकड़े, और बाहर निकालो 10 वर्ष बाद चाहे 6 घंटे बाद, और फिर उसको एक दूसरे से लगा दो, उसमें जो के तो गुण है, गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ, चिंगारियां निकल रही हैं उससे। और इसी प्रकार चंदन का जो पेड़ वृक्ष होता है, आसपास के सभी नीम को जंडी को पीपल को जितने भी पेड़ होते हैं अपनी महक छोड़ छोड़ कर चंदन जैसी महक वाला बना देता है, बहुमूल्य बना देता है। लेकिन एक बांस होता, बांस जिसकी लाठी बने मच्छरदानी बने,
इसका असर नहीं होता, चाहे उस चंदन के वृक्ष के साथ में उग जा, उसमें वो ग्रहण करने का गुण ही नहीं है। तो जो यहाँ आएंगे कुछ जिज्ञासा लेकर के मोक्ष आधार मान करके, उनका तो लाभ होगा ही होगा। उनको तो समझ में आ ही जाएगा कि विश्व में आज कोई गुरु नहीं है, इस दास के अतिरिक्त सतगुरु भी नहीं है। और जो आए होंगे उस पत्थर जैसे बांस जैसे व्यक्ति हैं, उनका असर होना ही नहीं। वो तो वही फिर कबाड़ में क्या करें कि तो किले में चढ़े जाया करें, पत्थर और काम के आएंगे। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जिनको इतना ज्ञान इतना प्रमाण देखकर भी असर नहीं हो रहा कि ये सचमुच कोई बात अलग है, तो वो तो वो बताया है कि कोट वर्ष करो संगत संतन की, जैसे पत्थर का जल में क्या भी गए और चंदन वन में रंग ला दे, एक बांस विटम भी ना सींचे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि देखो ये आ रहा तुम्हारा भगवान, और तुम वेद पढ़ो और गीता पढ़ो और पुराणों को सत्य मानते हो, और पुराणों में ये लिखा है, वेद में कहीं लिखा है श्री देवी पुराण के अंदर 5वें स्कंद में 414 पृष्ठ पे ये लिखा वेद व्यास जी ने कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे। वेद गीता वेदों का सरल रूप समझ लो, ये तो आप आम जानते हो, आम हिंदू समझ सकता है, उसमें सरलार्थ भी है। कहीं है गीता में दुर्गा की पूजा का प्रावधान? नहीं। उसमें मंत्र गिण के 4-3 दे रखे हैं, मेरा तो मंत्र है ब्रह्म हूं मैं, श्री कृष्ण में बोल रहा है, और एक पूर्ण परमात्मा जिसे पूर्ण मोक्ष होगा, उसकी भक्ति करने से दोबारा जन्म नहीं होगा, मेरी भक्ति करेगा तो मेरा भी जन्म तेरा भी जन्म सदा रहेगा, परम शांति नहीं हो सकती। वही वेद बताते हैं, वेदों का जो का तो सारांश है, ये छोटा सूक्ष्म रूप है कई वेद। इस गीता में दुर्गा की पूजा, अरण्यों के वेद सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे, वो दुर्गा की पूजा करते थे, गांव गांव में मंदिर बनवाना उनका उद्देश्य था। ये मंदिरों का लठी ननगढ़वा रखा है नकली पर, ब्राह्मण को और वेद के ज्ञाता को अब पत्थर पुजवा कर मार दी, सारी दुनिया भूत बनवा दी। परमात्मा कबीर जी यही बताते हैं, वेद पढ़ने पर भेद ना जान, ये 5वें पुराण 18, और फिर पत्थर की पूजा करवावे, मंदिर बना उसमें शिवलिंग दरवा दिया, विष्णु जी की पत्थर की मूर्ति दरवा दी, कृष्ण जी की दरवा दी, है खाक पढ़े वेद तुमने, क्या पढ़े पुराण। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि ये आ गया तुम्हारा ये भगवान, और तुम इसको निराकार बताते हो। कहा कि तुम जाओ यहां से, क्योंकि काल ने एक फिक्स टाइम का रखा है, काल का दूसरा अर्थ समय भी होता है, तो यहां का जो समय है वो निर्धारित है, इसमें कोई परिवर्तन ना वो स्वयं कर सकता ना किसी और संस्कार में कोई परिवर्तन इसका देवता कर सकता। ये काल भगवान काल है, जो यहां का मालिक भगवान तो नहीं है, यहां का स्वामी है, ये भी काल है, और यहां जो समय निर्धारित है ये भी समय भी काल कहलाता है। ये दोनों के दोनों परमात्मा के कबीर साहब के अधीन है, उसके हुक्म के शेष चलते हैं। तो वो जो काल उसने काल ने समय फिक्स कर रखा था कि इतने समय में ये तपतशिला पर भुन कर सभी प्राणी अपना गंध इसमें छोड़कर अपने आप उड़ जाते हो, वहां से निकाल दिया एकदम जंप आता है, जो भी खाली होता जाता है उसको ऐसे फेंक देते हैं, तो श्या एक दिन में सारे पहुंच जाते हैं, फिर वो धर्मराज के पास लाइन लग जाती है, वहां जाकर फिर उनको संस्कार वश अलग अलग जहां जिसका जैसा, कोई स्वर्ग में जाओ चाहे गधा बनो चाहे कुत्ता बनो चाहे राजा बनो जाओ, वो क्रम फिर शुरू हो गया। तो वो जब तक नहीं, वो चला था इसलिए कि उस समय पूरा हो गया, वो जा चुके होंगे। परमात्मा ने कहा कि वो देखो दूर से आ रहा है और तुम उसको देखो, वो है तुम्हारा भगवान, अब तुम जाओ। तब परमात्मा ने उनको वहां से भेजा। फिर वो काल ने निकट आकर देखा कि ये आदमी कौन खड़ा है मेरे इस स्थान पर, तो कोई आ ही नहीं सकता। 21वां ब्रह्मांड दो दास ने आपको बता रखा है, 21वें ब्रह्मांड में भी एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां तपतशिला है। आप सृष्टि रचना के अंदर वो मैप देखोगे, चित्र देखोगे, उन्हें समझ आएगी। जो हमें दास कई बार सत्संग में भी सुनाता है
पुस्तकों में बच्चों ने भक्तों ने लिखा हुआ है उसको, तो वहां कोई नहीं जा सकता उसके अतिरिक्त। तो वहां उसने देखा दूसरा आदमी कौन आ गया, फिर ध्यान से देखे तो जोगजीत खड़ा है। उसको यह मालूम था कि जोगजीत भाई मेरा पिता का पूरा आज्ञाकारी है, पूरा कृपा पात्र है, पिता माने सतपुरुष कबीर साहब का। और ये वैसे नहीं आया होगा, या तो कोई संदेशा लेकर आया है, मुझे कोई और सजा सुनाओगे, मेरे से कोई गलती तो रोज करे ही, या बकवास देख रखी इसने। फिर भी हिम्मत सी करके पूछा और कहा कि क्योंकि जब इसको ने सतलोक में गलती की थी ज्योत निरंजन ने काल ने, तो जोगजीत रूप में आकर ही परमात्मा ने उसको 21 ब्रह्मांड समेत और दुर्गा समेत और दुर्गा के अंदर सभी आत्मा परमात्मा ने फिक्स कर फीड कर दी थी, भर दी थी, जिन्होंने इसके साथ आने की स्वीकृति दी थी। तो इसने वहां दुर्गा के साथ बद व्यवहार करना चाहा, इसकी बेइज्जती करनी चाहिए थी या उसके मुंह में समा गई पेट में मुख्य माध्यम से, तो परमात्मा ने आके इस काल के पेट से निकाली और दोनों ही दंडित अपराधी हो ही रहे थे, हम भी हुआ दुर्गा भी काल भी। तो काल जो अपराधी बन गया कि उसने वहां गलत कर दी, ऐसे पवित्र स्थान में एक देवी लड़की के साथ बद व्यवहार करे, फिर उसको वहां से 21 ब्रह्मांड समेत भेज दिया, निकल जाया से। उस समय इसने हाथ जोड़े जोगजीत रूप में कि माफ कर दे मेरे से गलती होगी और मुझे यहीं रख लो, पिताजी से प्रार्थना कर दो। वो बोला भी प्रार्थना मन कर ली, आप जाइए यहाँ से। जबरदस्ती 21 ब्रह्मांड समेत इसको यहाँ 16 संख कोस की दूरी पर भेज दिया। एक कोस में 3 किलोमीटर होते लगभग, 48 संख नील पदम संख इतने किलोमीटर दूर ये 21 ब्रह्मांड आ गए। उसके बाद इसने अपनी मनमानी शुरू कर दी कि मेरा कौन के बिगाड़ेगा। तो जब वो जोगजीत रूप में परमात्मा इसके लोक में आ गए, तो इसने वो प्रतिशोध लेना चाहा जो उसने वहां से निकाला था जोगजीत रूप में, और उस समय भगवान जोगजीत रूप में खड़े थे। तो काल ने कहा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया, यहां क्यों आया, और पुरुष वचन हो तो मुझे सुनाओ, तुम यहां क्यों आयो, और कोई पुरुष की आज्ञा है, परमात्मा का कोई वचन है मेरे लिए, आदेश संदेश है तो मुझे सुनाओ। और कहते हैं वहां से बाहर निकाला मोही और जोगजीत ना छोड़ू तो ही, तो मेरे लोक में किस लिए आ गया, तेरी हिम्मत कैसे पड़गी मेरी आज्ञा बिना तू यहां आने का, तुम वहां रहो मैं अपना यहां रहूंगा, तुम्हारा क्या मतलब बीच में इंटरफेरेंस करने का, जो वचन है वो बता जल्दी। डर गया वो कि कोई और संदेशा लेकर आया तो और सजाना मिल जाए तुझे, कि बोल क्या आदेश है पिताजी का, मुझे पहले वो बता, फिर मैं तुझे खूब पिटूंगा, तेरे को ऐसी पिटाई करूंगा तू याद रखेगा। तो जोगजीत रूप में भगवान ने कहा कि सुन ले परमेश्वर की का पिताजी का आदेश, तूने उसकी आत्माओं के ये तेरे भाई बहन है जो तेरे साथ आ गए, अरे नालायक, इनने तो तेरे ऊपर विश्वास किया, तूने इनके साथ विश्वासघात किया, इनको कंगाल कर दिया, इसने क्या जुल्म कर रखा अपने साथ, इसने ऊपर एक महासुरग बना रखा ब्रह्मलोक में, और उस महासुर के अंदर इसने अलग से नकली लोक बना रखे, सतलोक अलख लोक अगम लोक अकह लोक, जो ये राधा स्वामी वाले जो करते हैं ना, ये ढोल पीटे हैं, ये तो इस नकली लोक की भी इन पूरा ज्ञान को ना काल के लोक झूठा बना रखा है, क्योंकि नो नकल ऊपर की दुर्गा से करवा ली इसने। तो परमात्मा ने कहा कि तुमने इनकी क्या हालत कर रखी है, परमात्मा ने कहा कि तू ये तेरे भाई बहन है सारे, और निकम्मे तेरे पर विश्वास करके आ गए तेरे साथ, तो ऐसा जुल्म, तो इसने क्या कर रखा है, वहां ठगता है आपको, आज आपको ये बताया जा रहा है कि आपको कैसे लूटा जा रहा है, कैसे आप ही भिखारी बन गए। पहले जब वहां से आए सतलोक से तो आप पुनों से भरपूर थे, आप एक बहुत साहूकार के बेटे थे, पहले राजा लोग जो होते थे उनकी बेटे और बेटियां जो धनी राजा होते थे, सोने के हार, सोने की जूतियां, सोने के
यहाँ तक जैसे अपना राजस्थान में देखे होंगे अभी तक पहनती माताएं चांदी के पहनते, वो सोने के होते थे और कपड़े सुंदर, उनमें भी हीरे मोती जवाहरात जड़े होते थे। और वो ऐसे हम वहाँ थे, भक्ति से परिपूर्ण सेठ थे, सारी सुविधाएं प्राप्त थी। अब हम आगे उन सारे आभूषणों समेत यानी सारी भक्ति समेत इसका साथ भाग्य, जैसे एक अमीर सेठ की लड़की उसने उन्हीं के एक नौकर के साथ भागी, हमारे साथ वो बनी हुई है अब ये। उस भागने से पहले उनके जो चल रहा था विचार विमर्श उनका पता माँ बाप को लग गया, बेटी को समझाया, बेटा यो बालक और ये तो एक नौकर, और तू कहा कि किसकी बेटी है, कुछ आँख खोली, अच्छी बात नहीं, तुझे बहुत दुख हो जाएगा। माँ ने भी समझाया, बेटी बड़ा कहर टूट जाएगा, हम तो शादी कर नहीं सकते, तू इसके साथ जाए भी गी तो बहुत दुख पाएगी, समझा दिया। हाँ माँ को नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, ऊपर से तैसे करगी और पीछे से सारा आभूषण लेकर भागी। अब वो तो शराबी को अभी बकवादी आदमी जाकर अपना रहने लगे कि जाए, वो जो सारा वो ले गई थी धन पहले तो वो खर्च करवाया शराब पी हुए, उन्हें पीटे छेते वह जान जो गिरी ना वापस। फिर वो मजदूरी कर रही थी, दो बच्चे उसके साथ थे सड़क के ऊपर, ये दास उसने वहाँ जेई था नौकरी कर रहा था, हमारा दूसरा भी भाग था सड़क पर और काम हो रहा था, वहाँ हम बैठे थे एक वृक्ष के नीचे, वो माई रो रही थी। मैंने पूछा बहन क्यों रो रही है, क्या बात होगी? उसने फिर अपना सारा दुख बताया कि मैं एक बहुत बड़े सेठ की साहूकार की बेटी थी और जो मेरा पति है ये वहाँ नौकर था, और मेरे माँ ने बहुत समझाया मुझे, मेरा अकल नहीं आई, मैं इसके बाद तम आकर इसके सारा धन लेकर भाग गई, बहुत सा धन, पहले तो धन खर्च करवाया मेरे से, मारा पिटा, दो बालक हो गए, अब भी शराब पीता है मुझे, मैं नौकरी या मजदूरी करती हूँ, जाते इनको छीन लेगा, टाइम पर टूक भी नहीं है, रो रही हूँ अपने कर्मों को। अब जब तो हमने थोड़ी सी सहमति हुई भाई हम क्या कर सके, हम भी आप रोजी रोटी वाले आदमी, हम तो आपको क्या दें बेटा, हम भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, दुख जरूर होता है ऐसी सुनकर कथाएं। तो अब मालिक का ज्ञान होने के बाद अब पता चला हमारे साथ ऐसा बना, अब ये हमें लूट रहा है, सता रहा है, हमारी ब्रेन माटी कर रहा है, मजदूरी करो लाओ कमा कर मैं खाऊंगा। कैसे? आप पहले जो धन लेकर आए थे अपने बाप से, वो तो इसने महास्वर्ग में आपको वहाँ रखा ठाट से, और आपके उस पुण्य के ऊपर इसने कमीशन रखा है, होटल बना रखा है अपनी, वहाँ बनो खूब बढ़िया साजबाज, किसी में 25% कमीशन देता है, और पैसे जो वहाँ खाने पीने के ठाट हैं विमान हैं वो आपकी पूंजी खर्च होती है, जब वो पूंजी समाप्त हो जाती आपको पृथ्वी पर पटकता है कि फिर पुण्य कमाओ, फिर पुण्य कमाओ, फिर कहाँ स्वर्ग माओ, वहाँ खत्म करो, फिर पाप भी साथ बनते हैं, यहाँ पर नरक में भी जाओ, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। अब परमात्मा ने आके बताया, ओए होए, परमात्मा ने कहा रे जालिम ये जुल्म कर रखा है तेने, हैंड टू माउथ कर दिए कि सेठ के बेटी बेटा बेटा बेटी थे, अर्थने के जुल्म कर रखा है, इनसे मजदूरी कराता है, मौज तू मार रहा है, तेरे देवता मार रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये भी आप कमाई कराते हैं तुमसे, इनके लोक में गए स्वर्ग में, तुम्हारी पूंजी पुण्य की खत्म हुई, इनका कमीशन फिक्स्ड है, पैसे तुम्हारे होंगे, सब होटल खोले बैठे यहाँ पर किस कंगाल देश में लोक में 21 ब्रह्मांड के अंदर, फिर वहां से खत्म होते फिर जाओ नीचे, जबरदस्ती फेंक देंगे, एक दिन भी ना रखे विष्णु अपने घर में अपने श्लोक में, तो कितना प्यारा लगता हो तुम्हें, कौन खत्म हुए पल भाग यहाँ से, कौन रोग का बीमारी ने, तो तुम कहाँ रुक कहाँ उठोगे उस अपने पिता के घर पर जाके, वहां फिर कोई नहीं आपको भगाएगा, सीने से लगाएगा, सारे सुख देगा, उस सतलोक चलो। अब जो प्रसंग चला था कि आप जी ठगे जा रहे हो, आप पूर्व जन्म के जो कमाईया थी, परमात्मा कैसी दया करते हैं, जैसे प्रत्येक युग में आते हैं
सन 1398 संवत 1455 और पूर्णमासी ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को भगवान ऐसे प्रकट हुए थे कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके काशी बनारस में लहर तारा तालाब में, वहां से एक नीरू नीमा उनको उठाकर ले गए मुसलमान दुल्हा, नी संतान थे, वहां उनकी परवरिश हुई और कुंवारी गायें से उनकी परवरिश, दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है, लीला ऐसी हुई। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण है और 8 और 9 में, दो श्लोकों में मंत्रों में, 8 में ये कहा कि परमात्मा तीन प्रकार का शरीर धारण करके आपकी केयर टेक करता है, आपको देखभाल करता है। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 67 के मंत्र 26 में यही प्रमाण है कि हे परमात्मा आपका तीन प्रकार का शुद्ध शरीर है, उसी को धारण करके आप हमें संभालते रहते हो। तो वो बताया गया कि वो परमात्मा तीन प्रकार की लीला करता है, एक रूप में तो सतलोक में बैठे हैं जब वहाँ सिंहासन के ऊपर, सिर पे मुकुट है, ऊपर एक छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, गोल गोल सुंदर सेंटर में बैठे, सेंटर में बैठे मालिक, सफ़ेद बहुत गजब का रोशनी है, और एक रोम माने बाल होता है, एक रोम बाल की इतनी शोभा है, इतनी चमक है जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, और नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। तो दूसरी स्थिति वो प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके यहां आते हैं और सबको फिर धीरे धीरे वो प्रवेश करके बड़े होते हैं, फिर ज्ञान भी सुनाते हैं, अच्छे नागरिक की भूमिका करके भी सिखाते हैं, और ये भी रोल करते हैं कि इस गंदे लोक में गढ़ा मत इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करने के चक्कर में तुम जीवन नाश कर देते हो, आप विश्वास करो मेरे की तरह जैसे मालिक ने करके दिखाया था, फिर मैं तुझे कितने सुख दूंगा। कबीर परमात्मा झोपड़ी में रहते थे, सुबह का आटा है तो शाम का शायद ना हो, और 18 लाख व्यक्तियों की चिट्ठी आ गई कि कबीर भंडारा करेगा झूठी, उन 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भंडारा कराया मालिक ने, और लड्डू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े दोहर असर पी सोने की 10 ग्राम सोना प्रत्येक खाने के बाद, एक मोहर एक दोहर। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर पूजा निकाम निष्काम भाव से भक्ति कर जैसे मैं बता रहा हूं, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। अब तुम विश्वास करो मेरे पर और मैं कहूं ऐसे करो, कोई भी आपत्ति तुम पर आओगी तुम्हें ऐसे करके दिखा दूंगा, दुनिया देखेगी। और आप जी अपनी चतुरता से कितना इकट्ठा कर लोगे और उसमें पूरा ना पट्टा आपका। तो कहते हैं साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। इतना मांगो भगवान से, ज्यादा मत मांगो, तुम और मांगते हो तो वो फिर अपनी पूंजी व्यर्थ करते हो। आप प्रसंग तो चला था कि जैसे ही आप यहां वचन के बच्चे बन गए हमारे, अब जिस तेरे आपके घर में बेटा जन्म लेता है या बेटी भी लेती है, उसके आने से पहले माँ के सतन में दूध नहीं होता, बाहर आते दूध दिया जाता है, ये तो भगवान का रोल। अब आप अपना एक पिता का रोल समझो, माँ का रोल समझो, क्या भूमिका करते हैं, बच्चों को तो पता ही नहीं, अबोध है, आके निकल गए माँ के गर्भ से, पड़ गए, कोई उठाओ मरो, कोई संभालो ना संभालो, लेकिन माँ बाप के अंदर इतनी प्रेरणा, उसको नहाते हैं धुआते हैं सीने से लगाते हैं, गर्मी सर्दी के वस्त्रों की पहले तैयारी कर देते हैं, इसको किस चीज की आवश्यकता मेरे बच्चे को, बच्चे को मालूम नहीं मुझे क्या आवश्यकता है। बड़ा होकर बच्चा थोड़ी बहुत जिद कर लेता है, फिर भी माँ बाप को गलत चीज उसको नहीं दिलाएंगे, वही देंगे जो उसके हित में ही होगी। अब वो आपका पिता है, आज से आप उसके बच्चे बन गए। परमात्मा कहते हैं कुल खोए हैं कुल होत है, कुल रखे कुल जाए, राम ने कुल कुल भेंट लो, सब कुल रहा समाए। कहते हैं परमात्मा कि यदि तुम इस खानदान के चक्कर में भक्ति को नहीं अपनाओगे, कबीर साहब कहते हैं कि कुल की करनी के कारण
अनसा गया बिगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो, गधा बन गया, कुत्ता बनेगा, भैंस बैल बनकर धक्के खाओगा, तब ये तेरा कुल, तेरा खानदान, तेरी परंपरा तेरी क्या रक्षा करेगी। आज तुम कुल की करनी, कुल अपने खानदान में जिसमें तुम जन्मे हो उस परंपरा का निर्वाह करते करते यदि भगवान को नहीं अपनाओगे उन परंपराओं को छोड़ के, तो ये कुल की लाज तुम्हें फिर क्या लाभ देगी। जब गधे बनकर घूम रहे होगे, गधी बनकर घूम रही होगी तुम। कुल करने के कारण हंसा गया बिगो, बिगो माने नाश कर लिया इसने अपने जीवन का, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। फिर क्या कहते हैं, कुल राखे कुल जात है, कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जाए। कुल खोदोगे वो नकली कुल को भूल के भक्ति वाले कुल में आ जाओगे इस खानदान में, तो उसको उसके चक्कर में तो तुम भी मरोगे, वह भी मरेंगे, तुम कहीं गधे वो कहीं गधे, सारा परिवार ऐसे अवृत हो जाएगा, तुम रहोगे ही नहीं, वो तो विघो हो गया, नष्ट हो गया। कहते कुल राखे कुल जात है, उसकी परंपरा कुल की मर्यादा में रहेगी तो तुम गए खत्म, और कुल खोए कुल हो, उस संसारिक कुल की मर्यादा को तोड़कर आप यहां आगे इस राम निकुल कुल भेंट ले, और सब कुल रहा समाए। ये दास उस कुल में शरीर के दो बेटे दो बेटी थी, और आज भगवान के कुल में आ गया तो लाखों बेटे लाखों बेटी होगी, परिवार भी बड़ा हो गया। तो यहां परमात्मा कहते हैं राम निकुल कुल भेंट ले, भगवान वाले जो यो कुल कित को नहीं यहीं पर है जो हम बनाएंगे, इसे कुल को भेंट लो, उसमें शामिल हो जाओ जिसमें सब कुल रहा समाए। तो कहने का भाव यह है, जो हम प्रसंग पर आ रहे थे, अब कबीर साहब वहां धर्म, अब काल जब बता रहा है परमात्मा उसको बता रहे हैं, तूने ऐसा जुल्म कर दिया इनके साथ, परमात्मा बता रहे इस काल को कि जालिम भगवान ने भेजा है मुझे, तेरी पोल खोलूंगा, नीचे के लोक में जाऊंगा, तेरी वास्तविकता बताऊंगा, तू काल है, तू भगवान नहीं है, असली परमात्मा को तूने छुपा दिया, खुद भगवान बन बैठा। परमात्मा का आदेश है, मैं ऐसा मंत्र लेकर आया हूं, उनको नाम दूंगा, ज्ञान दूंगा, और यहां से सबको पार करवाऊंगा, ये आदेश है भगवान का। तो पहले तो वो काल भयंकर हो गया, अब कोई देखो पुण्यात्मा, ये तो यही चक्कर पड़ रहा है, इनने तो अपने ऐसे सीमा बना रखी कि मेरी रोजी रोटी का नाश कर दे करेगा ये, तो उसने सोचा पहले इसने मार दूं, इसने बंदी बना दूं, यही बांध दूं, इसने नीचे नहीं जान दूंगा, ये तो नाश करेगा मेरा, भट्ठा बैठा देगा सच्चाई बता करके। तो पहले तो उसने खूब झपट्टा मारा, जैसे चिड़िया के ऊपर बाज झपटता है कि आ जा पहले तुझे संवारता हूं मैं भी। तो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बता रहे हैं, 600 वर्ष पहले आए थे, वो वाणी में लिखी हुई है कि धर्मदास को कहा कि धर्मदास जब उसने मुझे मारने के लिए अपना चला मेरी तरफ भयंकर रूप बना के, तो मैंने सतनाम का सुमन कर दिया, दो अक्षर का होता है वो, और सतनाम का जो सुमन किया ना, उसको इतना गजब का झटका लग गया, उसके एकदम इतना करंट लग गया उसके, और वो इतना भयभीत हो गया कि पाताल में जाके गिरा नीचे। अब मैंने तो उसको ठीक करना था, फिर नीचे गया मैं उसके साथ साथ। जोगजीत ने कहा कि मेरे पास ऐसा मंत्र है कि तजाले तो छोड़ दूंगा नहीं, 21 ब्रह्मांड तक, बार तेरी सीमा नहीं, चल वहीं ऊपर, या और कोई सुनेगा तेरी सारी बकवास दूंगा। ऊपर फिर लाए वहीं, फिर कांपन लायक गया, चरणों में गिर गया, कहते ऐसे तड़फ रहा पड़ा पड़ा जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, उड़ नहीं सकता, घिसड़ के जब देखा इसने ताकत में तो तेरी बात पड़े नहीं, तो चापलूसी यहां की सबकी यही आदत है, अपनी ताकत से लेता पहले काम, जब नहीं बसाते तो पैर पकड़ लेता है, फिर कोई छल करके उसको पटकनी देना चाहता है,
तो नीचे घिसड़ के पैर पकड़ दिए परमात्मा के जोगजीत रूप में मां लिखड़े थे। या तो शक्ति को सलाम है, अब वो भगवान दिखा था जिसने सब झटका दे दिया, जान भी गई होती इसकी। अब तो भगवान दिखाई दे रहा था जोगजीत भाई नहीं, तो फिर उसने पैर पकड़ कर रोए बुरा हाल कराया, हे भगवान मैं तो आपको बड़ा भाई हो, मैं तो बालक हूँ, छोटे तो उत्पात करते हैं, बड़े अक्षमा ही किया करते हैं, आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, अक्षमा करो तात। परमात्मा बोले कर दिया अक्षमा, बोलो क्या चाहता है कि नहीं, वचनबद्ध होकर मेरी बात सुनो, मेरी कुछ या कमियां है वो पूरी कर दो, आप तो भगवान की ताकत लेकर आए हो परम पिता की। परमात्मा बोले बता दे मैं वैसे ही कर दूंगा। बोला नहीं नहीं वचनबद्ध हो जाओ। अब हो गया वचनबद्ध। परमात्मा बता दे कि मांगेगा भिखारी, एक जीव संज्ञा का व्यक्ति क्या मांग सकता भगवान से, इतनी अकल कहाँ हमारे अंदर। कहने लगा जी ऐसे कर, वचनबद्ध हो गया खड़ा हो गया। फिर कहने लगा जी क्या करोगे नीचे, ऐसे करना देखो मुझे श्राप लगा हुआ है और 100,000 जीव मुझे खाने पड़ते हैं, अगर आप अभी ले गए सबको तो मैं भूखा मर जाऊंगा, कुछ दया करो मेरे पे, एक कृपा करना 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और 4th युग जब कलयुग आवे तो कितने ले जाना, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ। अपुरात्मा इब हम ये विज्ञानी पक्के हैं, अनजान व्यक्तियों को भगवान ने पता था तो क्यों इसको ये आदेश 3 युगों का क्यों दे दिया वरदान, तभी हमें क्यों नहीं पार कर गए, इसे तुम भले होते तो वहीं जाते को नहीं वहीं न पड़े रहते। पता है भगवान ने कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, इनकी पूंजी साथ होती है, कुछ बची हुई पूंजी, जैसे वहां स्वर्ग में खत्म किया फिर बच गई वह नीचे, कुछ परसेंटेज छोड़ ले दे के भेजता है पुनः की और पापों की। तो सतयुग में वो जन्म होते हैं जिन्हें घने पुण्य होते हैं, त्रेताम उसे थोड़े से कम, फिर वो भी सुखी होते हैं, द्वापर में भी दुखी नहीं होते, फल फ्रूट भरे रहते हैं, वृक्षों जंगलों में लोग समय व्यतीत किया करते थे अधिकतर। मालिक को मालूम था कि त्रेता तक इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी, और पहले सतयुग में ये पूजा करते थे ब्रह्म की, लाभ देता था कबीर भगवान इनकी पूर्व की पूंजी थे, ये उस पर फिट हो गए। फिर इसी प्रकार राम कृष्ण का राम का जन्म हो गया, फिर द्वापर वाले राम ने पूजन लगे, द्वापर में लास्ट में कृष्ण का जन्म हुआ, फिर कृष्ण ने पूजन लगे, और पूजा करते रहे भगवान की दया से, भगवान भी आते रहे, भगवान की प्रेरणा करते रहे। अब वो जब भी आते थे प्रथम नाम देते थे, उससे चार्ज कर जाते थे, पता था पार्थिया भी होंगे नहीं लेकिन इनको मनुष्य जन्म मिलता रहेगा, इस भक्ति से इनके परमात्मा के चमत्कार होते रहेंगे, आस्था इनकी बनी रहेगी। तो सतयुग त्रेता द्वापर तक परमात्मा ने घने व्यक्ति पार नहीं किए, को घना इधर से मिले स्पेशल दिखा के लाए, फिर उससे की बात बनी, बाकी अन्य ने नहीं माना। अब आप भक्ति भी कर रहे हो, आप देवता भी पूजा करते, सारा कुछ करती थी आत्माएं, और आज क्या बिरा दुर्गति हो रही है, हम देख रहा है दास, अब कहाँ गई वो भक्ति, कहाँ गई वो श्राद्ध स्वामी वाले पंथ, अब रो रो कहते हैं वो लोग, कहते 30 साल खो दिए, 40 साल डलेट होके आया हूँ, सब कुछ लुट गया, बीमारी 20 लग गई, बेटा मर गया, फैक्ट्री लुट गई, अर तू आप लुट गए उसका तेरे पता है को नहीं, ये तो फैक्ट्री रो रहे हो तुम, तो तुम लुट गए, सारा जीवन खो दिया तुमने, भट्ठा बैठा दिया, अब करो फिर दोबारा चार्जर देंगे और थोड़े दिन में फिर धनी हो जाओगे, डटे रहना इस मार्ग पर, विश्वास करके लगे रहना, देखना कुछ ही दिनों में क्या रंग ला देगा भगवान। परमात्मा ने कहा चलो ठीक है, मान ली जब तुमने वचनबद्ध करा लिया, फिर क्या कहा कि एक काम और करना, परमात्मा ने कहा हाँ, फिर उसने कहा कि सतयुग त्रेता के अंदर मेरा अंश जाएगा, मेरा पुत्र विष्णु, उसके ऊपर एक आपत्ति, उसके संस्कार में लिखा हुआ होता उसको ये नहीं टाल सकता, उसमें लिखा था कि वो उसकी पत्नी उठेगी जंगल से वन से, और फिर पुल का की आवश्यकता पड़ेगी, वो पुल बनवाना भगवान, आपकी ताकत पर वो पुल बनेगा नहीं उनसे, वो बालक है मेरे। परमात्मा बोले ठीक है। फिर द्वापर युग में उसने पता करा कि मेरा वो श्री कृष्ण जो है मेरा पुत्र जाएगा विष्णु, और वो
फिर एक राजा इंद्रदमन राजा को दर्शन देकर समुद्र के किनारे एक मंदिर बनवाओगा जगन्नाथ मंदिर नाम से। उसको वो मंदिर पुल समुद्र नहीं बनने देगा उस मंदिर को, क्योंकि वो प्रतिशोध लेगा जब राम रूप में रामचंद्र रूप में विष्णु जी ने समुद्र को बुरा भला कहा था। कैसे कहा था कि जब पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी, सीता जी का पता लग गया कि रावण के नौलखे बाग में है, मान नहीं रहा है, युद्ध के करके ही ली जा सकती है, युद्ध करने के लिए सेना पार करनी थी, पुल बनाना अनिवार्य था। 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी इतिहास में उनकी रामायण में समुद्र में खड़ा रहा घुटनों पानी में और याचना करता रहा कि दिल थी हे सागर राज, मुझ पर आपत्ति आई है, मुझे रास्ता दे दो, मुझे विधि बताओ आपके अंदर से मैं पार हूँ, कुछ ऐसा तरीका दे मुझे पार होने का, पार करो मुझे। तो समुद्र नहीं मानना, टस से मच नहीं, तो उसने कहा था लक्ष्मण अग्नि बाण लिखा निकाल, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानती, ढीठ व्यक्ति है राम, ये ढीठ है ये देव, क्योंकि समुद्र जल अलग है, जल का देव अलग है, वो आप नहीं दे सकते, वो सूक्ष्म दृष्टि से दिखता है। तो उस राम ने कहा कि रावण के साथ रहकर इसमें अभिमान हो गया, यो भलाई नहीं चाहता किसी का, गरीब का मददगार नहीं रहा। पहले ऋषि लोग समुद्र पर चल पड़ते थे अब सिद्धि से, और राम द्वारा सिद्धि बिना थी, लेकिन जब नो देखा ना कि तुझे फूकेगा, तब समुद्र सामने प्रकट हुआ था विपर रूप धारण करके वो देवता, और तब उसने बताया था कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, और उनको उनके गुरुदेव की दी हुई शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर तैर जाते हैं समुद्र के मेरे ऊपर, और कोई तरीका नहीं, उनसे पुल बनवा लो। अब वो नल नील कौन थे, 3 युग में परमात्मा 4 युग में आए हैं, सतयुग में सतसुकृत का टेरा, 3 नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। तो मुनिंदर नाम ऋषि से आए थे, नल और नील मेंटली डिस्टर्ब थे, बुरा हाल था, 3 ताप से पीड़ित थे, सब जगह धक्के खा लिए थे, किसी ऋषि से ठीक नहीं हुए थे, परमात्मा मुनिंदर उर्फ कबीर जी की आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गए थे। उसके बाद उनकी अटूट श्रद्धा बन गई थी, और वो जब समुद्र में कपड़े कुपड़े धोने जाते थे, वो भोले भाले गने थे, डूब जाते थे, बह जाते थे, बर्तन रह जाता एक आधा, फिर परमा, ये लंबी कथा है, आज विषय दूसरा है। तो परमेश्वर कबीर जी ने नल नील को आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारे हाथ से बेटा अब कोई वस्तु जल में नहीं डूबेगी, तो वो उनके पास वरदान मालिक का था, अड़दी की गांठ से ऊपर सारी पा के गए। नल नील ने उस दिन अपनी महिमा इतनी मान ली, गुरु जी भी भूल गए, याद नहीं किया परमात्मा को, और रामचंद्र के पूछने पर भी क्यों तुम्हारे पास वो ताकत है, कहां जी है, तो तब कहा दिखाओ परीक्षण करो, वो पत्थर ठाक रखे दोनों डूब गए, दोनों आके फिर ठाक रखे फिर डूब गए। जब समुद्र ने कहा कि तुमने अपना गुरु जी भूल गए मूर्खो, याद करो उसे, गुरु भूल कर तुम कैसे सफल हो गए, तब उनको याद किया वो वचन जो उसने भराया था कि मेरा पुत्र जाएगा पुल नहीं बनेगा बनवाना। मुनिंदर ऋषि वहां परमात्मा ऋषि रूप में प्रकट हुए, और तब कहा था कि जाओ ये पहाड़ जो है ना, ये साथ वाला पहाड़, इसके चारों तरफ मैंने एक रेखा खींच दी है सोटी से, इसके बीच के पत्थर उठाओ सब हल्के हो गए। नल नील जो कारीगर भी थे वह सिर्फ उनको ठोल छाल के फंसावे थे, बाकी पत्थर हल्के करे थे कबीर भगवान। ये भी दान से सुन लेना, ये तत्व ज्ञान है पुण्यात्मा, जो कथाएं तुम सुना करते आप जी, अब ये इनका एक सिर सब सिरे चढ़ेंगी, कथाएं सुन रखी थी, सिर पैर नहीं था इनका। तो उसने ये वरदान लिए थे 2, एक जगन्नाथ के मंदिर को बनवाने के लिए। तब जब इसने उसको कहा था कि गुलाम जो है लातों की लातों से मानते हैं, प्रार्थना नहीं सुनते, तो उसका प्रतिशोध समुद्र ने, उसको पता था कि लेगा, या तो ऐसे टिट फॉर टैट ये भूलते नहीं सारे जीवन, ये खुद भगवान भी अपना टिट फॉर टैट देते आए हैं, राम रूप में बाली मारा था श्री कृष्ण रूप में, उसी बाली ने शिकारी बनकर श्री कृष्ण की हत्या की थी ऐसे वृक्ष की ओट से, कहते तुम कौन राम का जप दे जापम अर्थात कटे ना ये तीनों तापम,
अदला बदला भी खुद, ये खुद नहीं तुम अपना कोई संस्कार खत्म कर सकते, तुम्हारा कैसे करते हैं? तो अब शॉर्ट में बताऊंगा, समय ज्यादा हो गया। तो वापस फिर तब उसने तीन, ये दो वर और मांगे थे, परमात्मा बोले तथास्तु, तीनों दे दिए और बोले। फिर एक और मांगा था कि एक और दया करना कि कलयुग में पहले मेरे, हाँ एक ये प्रार्थना की थी कि आप जबरदस्ती ना करना किसी को भी, सतयुग जब चौथा युग जो कलयुग आए उस समय की, किसी को बाई फोर्स ना ले जाना, अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को माने वो आपका और मेरी, मेरे उस ज्ञान को माने वो मेरा। परमात्मा बोले तथास्तु, ठीक है। मालिक को मालूम था जब मेरा ज्ञान नहीं समझ में आओगे तो मुझे मानेंगे कैसे, तो पहले ज्ञान नहीं दूंगा उनको जाकर के। फिर कहा कि पहले मेरे दूत जावें, मेरे संत जिनको मैं संत बनाकर भेजूं, और बाद में तेरा दूत जावे, तेरा संदेश वाहक जावे। परमात्मा बोला ठीक है, तथास्तु, ठीक है भाई। अब फिर यो कहते हैं ना, फिर जब गर्द लगे बच्चा सुखी खड़ा हो गया, कहने लगा जोगजीत जब तुम कलयुग में पहुंच, जब कलयुग में ये जीव पहुंच जाएंगे ना, इनकी, इनको ऐसा कर दूंगा ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा कलयुग के अंत में, कलयुग में नाना प्रकार की पूजा इनके फट कर दूंगा, देवी देव देवल पूजवाऊं, देवल मान मंदिरों में मूर्ति बनवा के, और तीर्थ व्रत जूठे जब तब मन लाऊं, अर्जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने, तुम्हारे विरोध हो जाएंगे, मेरे वकील बन जाएंगे, बाद विवाद करेंगे। अब परमात्मा बोले कि ये तन तू अपना काम करना, जो मैंने वरदान दे दिया दे दिया। फिर कहा कि पीछे मैं भेजूंगा अपना दास, जब तेरे वाले सारी बकवाद घट चुके होंगे, जो ओछा मंदा ज्ञान वो सुना चुके होंगे, जब मेरा दास जाएगा, मालिक को मालूम था कि पहले ये बकलेंगे जो बकना है, फिर अपना दास भेजूंगा, इनकी पोल खोल देगा, प्रमाण दे देगा, सारे मेरे बच्चे मुझे पहचान जाएंगे। तब परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। कहते हैं घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व मेरा मेरा दीक्षित होगा, मेरे मंत्र का, मेरे जाप नाम का, और कलयुग बीते 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सकल जीव सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब इतना 5505 कलयुग बीत जाएगा, उस समय सभी प्राणी जो मनुष्य जीवन धारण करते आएंगे, उस परम पद के चेता होंगे। चेता माने जानकार। कौन से परम पद के? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परमात्मा ने कहा था कि उस समय मैं अपना दास भेजूंगा, पहले तेरे चले जाएंगे और पीछे अंश फिर हमारा आएगा। और घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान की घर घर में चर्चा होगी। आप देख रहे हो कहीं पर चिप चल रही है, मेमोरी कार्ड से ज्ञान चल रहा है, और कहीं अपने इंटरनेट से देख रहे हैं, कोई डीवीडी प्लेयर से सुन रहा है और सुना रहा है। अब ये कैसे फैल रहा है परमात्मा का वो ज्ञान, जो इस समय 5505 कलयुग बीतने के बाद शुरू होना था। कलयुग 5505 1997 में बीता, उसके बाद से ये सारा प्रचार आपके सामने है। 1997 में इस दास को परमात्मा ने
आज्ञा दे दी थी बेटा खोल दे पिटारे को, भंडारा खोल दे, समय आ गया है, सारा प्रचार कर दे। उसके बाद 1999 में दया करी दाता ने एक छोटा सा टुकड़ा करोथा गांव में आश्रम दिया। वहां फिर प्रोजेक्ट लगा लगा के भगवान के बच्चों को दिखाने लगे। पहले गांव गांव में विरोध हो गया हमारा, क्योंकि हम सच्चाई बताऊं नकली गांव गांव में ठग बैठे विरोध करवा दे जनता को, भुका के झूठा है कपटी है, लेकिन भगवान का वचन था इसलिए फल गया। अब शिक्षा पर बात आई थी, पहले हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे इसलिए भगवान को पहचाना नहीं। आज आपको शिक्षा का विष खिलाना पड़ा दाता ने कि एक बार ये शिक्षित हो जा, बुराई करेंगे ज्ञान से फिर सेट कर लूंगा इन्हें, लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं समझेंगे मुझे जानेंगे कैसे। ज्ञान होगा फिर विद्या हमारे, हम अनुरूप प्रयोग करेंगे, अब हम गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए आपको शिक्षित किया है, इसने कैसा जुल्म कर रखा है। आप जब इस ज्ञान से परिचित होकर फिर सामान्य जीवन जीओगे तब पता चलेगा कौन सी आग में जल रहे थे और कैसे परमात्मा ने शीतल जल छिड़क दिया इस तत्व ज्ञान का और सत नाम और सार नाम का, तब तुम्हारा कल्याण होगा, सारा संसार भगवान की भक्ति करेगा। सकल सृष्टि प्रवानिक हुई, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, धनी का वचन है कबीर भगवान का, ये सफल होगा और आपके सामने दिख भी रहा है। देखो कैसे छोटे छोटे बच्चे, ये जो आपके घर आ रहे हैं ये आम आत्माएं नहीं है, ये विशेष आत्माएं भगवान ने भेज रखी तुम्हारे घर में। इनको तो पता ही नहीं राम कृष्ण कौन होगा, ये सीधे भगवान के रंग में रंगे रंगाए होंगे, इनमें तो असमंजस हो ही नहीं सकता। और फिर इनके तो संस्कार इतने गजब के बनेंगे, भगवान हाजिर रहेगा, प्रत्येक इनकी सब दुख दूर करेगा, ये तब पर सुखी होंगे, इनकी टेंशन करने की जरूरत नहीं तुमने। लेकिन दृढ़ रहो, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, सो काल दख जोली पर द्वार छोड़ नहीं जा। हम बाटों में बट गए, कोई हिंदू बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई मुसलमान बन गया, हम तो एक हम इंसान हैं, हमने इंसान ही बनना पड़ेगा दोबारा। इंसान बनने के बाद फिर देवता बनाना है, इंसान इंसान से काम नहीं चलेगा। जैसे ये डेरा सच्चा सौदा वाले करा कितनी फीत लगा ली, गुरमीत सिंह राम रहीम इंसा, एक आधा और लिख लिया कि मैं रह रहा हूं तो फिर बन जाएगा इंसान। तेरा गजब हुई, मानुष से देवता बनाना है, इंसान से तो देवता बनाएंगे हम, हो इंसान ने बना, इंसान तो भगवान ने बनाए रखे थे, बीच में विकार आ गए, वो विकार भी नहीं छूट रहे तुम्हारे तो। अब यहां देखो आकर के, ओए भाई, अब दास को पता चला कि जैसे तुम वहां गए थे चंडीगढ़, वहां के लोग पूछ रहे थे कि कहां से आई है, कि हरियाणा से, हरियाणा के लोग बीड़ी नहीं पी रहे, हद्दा भाई, तो कितनी अच्छी छवि हुई हमारी, किसके शिष्य हैं ये, संत रामपाल के चेले हैं, कबीर भगवान के बच्चे हैं। और दूसरा कह रहा है कि बीड़ी तो छोड़ तुम, ये तो बैठे कैसे हैं, इतने लोग तो उदमस्तार दें जहां भी जाते हैं रैली वाले, ये तो कोई और ही आत्मा आ रही है कहीं किसी देश से, तो तुम सतलोक के बच्चे हो, सतलोक जाने की तैयारी ऐसे ही बनेगी जब आम विकार छोड़कर देवता बनोगे, आप देवता बन चुके हो, सतलोक जाने की तैयारी है आपकी। तो पुण्यात्माओं, जो दास कहे उस पर विचार करना, और कहते हैं तन मन धन सब तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लग गया मेरा, ये तो कैन की करना पड़ेगा। अब कबीर साहब कहते हैं तन मन धन सब मेरा और मेरा मुझको देगा जब कलजा पटेगा तेरा। तो अब ऊपर ऊपर से तो कह रहा जी तन मन धन सब तेरा, और जब मेरा मुझे देने का समय आता जब पीछे नटता है। अब ऐसे नहीं, जो कहा वो करके देखो, परमात्मा जो दान जो दिहाड़ी आती थी कपड़ा बुन के उसमें से खर्च चलाते थे, बाकी सारा दान करते थे। दान माया दुख वंचनी संचत है दुख मूल, दान करने से यह दुख दूर करेगी और इकट्ठा करके दर्दे थारा दुख का मूल हो जाएगा तो नाश कर देगी। तो फिर परमात्मा ने जो दान किया
वो ये दिखाया कि जब मुझे जरूरत पड़ी भगवान में साझा हो गया, फिर वो तन मन धन सब तेरा, कहने से नहीं करके देखो, जब भगवान में सीर कर लोगे उसमें भगवान के उसके अंदर आप पार्टनरशिप हो जाएगी मालिक से, और फिर देखना 18 लाख व्यक्तियों को कैसे छका दिया, वो भगवान ते सीर कर लिया। तो ऐसे आप भी उस मालिक ते पार्टनरशिप करो, और वो होगी ऐसे, देते को हर देता है जहां तहां से, आन ना दिया फिर मांगते, फिर वो साहेब सुने ना कान। दान कहते हैं चढ़ी चौंध भर लेगी नदी ने घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, नु कह रहे साहेब कभी। तो कुछ करना पड़ेगा उससे कुछ प्राप्त करने के लिए। खेत में पहले बीज बोता है किसान, एक 40 एकड़, एक एकड़ में 40 किलो गेहूं डालकर आता, फिर गाड़ी भर कर लाता 75 मन 60 मन। ऐसे कुछ बोओगे तो बेटा तुम्हें मिलेगा, विधि दास ने दी बता। इसमें पीछे ना हटियो, कुछ आगे बढ़ा करते तभी सफलता होगी। बोलो सतगुरुदेव।